मेरा राम करुणा निधान, मेरा राम करुणा निधान। ज्योति सुनी रात दिव्या
Shri Paramatmane. Namaha. Lokaviramam Ranarang Dhiram Raghuvanshanatham Karnyarupam Karuna Karantam Shri Ram Chandram Sharanam Prapadye Mano Javam
सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। यहां पर उपस्थित सभी संत वृंद और आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सियाराम। रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम हरिद्वार द्वारा आयोजित इस परम पावनी राम कथा में आप सभी का स्वागत है। तो मुस्कुराइए। हमारी ये चिंतन यात्रा परमहंस क्या है, परमहंस कैसे होते हैं, यहां से प्रारंभ हुआ। तापस शमदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। कैसे होते हैं परमहंस, क्या होते हैं परमहंस, कल की हमारी यात्रा परमहंस कौन है,
जब हमने हमारे चिंतन ने धीरे धीरे उस परमहंस तत्व को महसूस करना शुरू किया तो सीधी बात है कि अब उन परमहंसों का दर्शन करने की मन में एक लालसा जगे। तो कल पितामह भीष्म से लेकर नव योगेश्वर तक श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध के अलग अलग परमहंसों से हमने मुलाकात की। सभी की अपनी सुगंध है, सबका अपना आनंद है, सबकी अपनी अवस्था है। ऐसे उन परमहंसों को जब उनके हमने दर्शन किए तो स्वाभाविक है कि अब धीरे धीरे मन करता है कि मैं उस परमहंस पद को, उस मार्ग को कैसे पाऊं। जीवन के पूर्वार्ध को देखकर मन में एक शंका पैदा होती है कि साहब हमारे जैसे लोग तो परमहंस तो छोड़िए एक अच्छा साधु भी नहीं बन सकता है। तो मन में डर लगता है कि इतना नजदीक पहुंच के क्या फिर से हम परमहंस से बिछड़ जाएंगे क्या। तो श्रीमद् भागवत से मैंने कल गोपी की चर्चा छोड़ी, बाकी रखा, और रामचरितमानस के दो परमहंस, एक श्री भरत जी और एक श्री हनुमान जी, तो आज यहां से उन परमहंसों को कैसे पाए, उनका सदा सान्निध्य कैसा बना रहे, एतदर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी श्री भरत जी के विषय में हमसे बात करना शुरू करते हैं। एकदम करीब से जब श्री भरत लाल जी को देखे अथवा श्री हनुमान जी महाराज को देखे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मुझे भी परमहंस मिल सकते हैं। किसी को मिला है इसका एक मतलब पक्का हो जाता है कि मुझे भी मिल सकता है, बस मुझे इस मार्ग में अपने पुरुषार्थ को थोड़ा, अपनी साधना को थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। ये तप का तो बल है कि ब्रह्मा जी
इतनी वैभवशाली इतनी बड़ी दुनिया का निर्माण करते हैं। ये तप का तो बल है कि यदि काशी में किसी की मृत्यु हो तो राम नाम तारक मंत्र से भगवान शंकर उसको मुक्ति का मार्ग देते हैं। ये तप का तो बल है कि भगवान विष्णु जब तक किसी जीव की सांस चले तब तक उसका वो पालन करते हैं। यदि देवत्रयी तप के बल से इतने बड़े ब्रह्मांड को चला सकती है, मुस्कुराइए प्यारो, फिर तो हम उसी तप के बल से परमहंस को पा सकते हैं। मैंने प्रतिदिन आपको याद दिलाया है, आज पुनः एक बार याद दिला दूं कि इस मार्ग में यदि कोई मूल मंत्र हो तो उन मूल मंत्रों में से एक है मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो बद्धस्तु विषयासक्तः मुक्तम किम निर्विषयम मनः। ये मन व्यक्ति की निर्धारित सफलता का बाधक बनता है। ये किसी को दोष देना, अब इस प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए, क्योंकि दूसरों को दोष देना परमहंसों को शोभा नहीं देता है। यदि आज आप अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे हैं तो उसका कारण दूसरा कोई नहीं, हमारा अपना मन होता है। हमने समय पर उस काम को किया ही नहीं, आलस केवल शरीर की नहीं होती है। शरीर की आलस तो बहुत छोटी सी होती है, कोई आके उठा दे ना तो व्यक्ति उठ सकता है। आलस संकल्पों की होती है। आलस मन की स्थिरता की होती है। आलस आत्मबल की होती है। इसको निकालने में थोड़ा समय लगता है। यही है तप। मैंने एक दिन आपको बताया था कि संसार का प्रत्येक जीव, हम सब उस अनंत के राजकुमार या राजकुमारी है, क्योंकि हम उनकी संतानें हैं जो 14 ब्रह्मांड का मालिक हो, उसकी संतानें कोई राजकुमार या राजकुमारी से कम थोड़ी होती है। भगवान रामकृष्ण देव का एक बेटा स्वामी विवेकानंद जी, उनका उठना, उनका बैठना, उनका बोलना, उनका जीवन, संन्यास में रहते हुए भी दुनिया के बहुत बड़े बड़े राजा और राजकुमारों से कोई कम था। एक परमहंस का बेटा यदि दुनिया का राजा बन सकता है, आप तो 14 ब्रह्मांड के मालिक के बेटे हो। जब हम भीतर से उठे, जब हम भीतर से अपनी आलस को छोड़े और तन में मनः शिव संकल्प मस्तु की इस यात्रा का आरंभ करें, तब इस यात्रा में मेरा और आपका ये मन हमारा बाधक बनता है। अरे मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मैं ये थोड़े ही कर सकता हूं।
अरे वो तो सब बहुत बड़े बड़े हैं, इस दुनिया में कोई बड़ा नहीं होता, क्योंकि इस दुनिया में कोई छोटा है ही नहीं। दुनिया में कुछ छोटे लोग मिल जाए तो उस दुनिया में आप बड़े बन सकते हो। नजर उठा के देखो तो पता लगेगा कि पूरी दुनिया बड़ी है, क्योंकि जीव मात्र में वो ईश्वर मुस्कुराता है। जब आपकी मुस्कुराहट में परमात्मा मुस्कुराता हो तो बताइए, जब आप ये कहते हो कि मेरे से न होगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे मेरी पहुंच नहीं है, अरे मैं तो बहुत छोटा हूं, ये सारे शब्द उस परमहंस को नीचा दिखाना है जिसने आपसे प्रेम किया, जिसने आपको गले लगाया। एक निर्बाध रूप से किसी की गति हो जाए ना, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो बॉर्न विथ गोल्डन स्पून, ऐसे लोग जल्दी हिल जाते हैं। मुस्कुरा दो प्यारो, यदि कहीं पर भी समस्या नजर आती है तो वो समस्या नहीं है, वो आपको कुछ सिखाना चाहती है, ताकि आपके लिए ईश्वर ने जो सोच रखा है, ईश्वर आपको जहां पहुंचाना चाहता है उस स्थान तक की यात्रा करते हुए आपको कभी कोई कठिनाई ना हो। यदि इमृति खाली हो ना, तो आधा घंटा 45 मिनट ट्रेडमिल पर दौड़ना पड़ता है, नहीं तो स्वामी दयादीपानंद जी डांटते हैं। ये ट्रेडमिल पर दौड़ने का भी अपना स्वाद है, और इमृति का तो क्या कहना साहब। ये सब जरूरी है, यदि सूर्यास्त हो रहा है तो एक वेदज्ञ ब्राह्मण सूर्यास्त के समय उस व्यापक ब्रह्म का अनुभव करता हुआ उनके सन्मुख बैठकर हाथ में एक जल की अंजलि लेकर वो उस ढलते हुए सूरज को अंजलि देता हुआ मंत्र बोलता है, उसके बाद वो गायत्री जपता है, ये ढलते हुए सूरज को जल देना, ये ढलते हुए व्यापक ब्रह्म के सामने बैठकर गायत्री का उच्चार करना, ये इसलिए होता है क्योंकि उसके भीतर एक विश्वास होता है कि कल प्रातः काल पुनः इसी सूर्य को निकलना है। सूर्य से हर व्यक्ति को प्रेम है और होना ही चाहिए, क्योंकि सूर्य जीवन है। पर यह सूर्य नाम का जीवन यदि मध्याह्न 12 बजे अटक जाए और यदि उसकी घड़ी खराब हो जाए ना, तो बहुत समस्या हो जाती है। चक्रार पंक्ति रिवगच्छति भाग्य पंक्ति, और इसीलिए भगवद गीता में भगवान द्वारिकाधीश हमें सिखाते हैं कि दुखेश्वनु द्विग्न मनाहा सुखेशु विगतस्पृहः, जो न किसी से डरता है
जो न किसी को डराने का प्रयत्न करता है, ऐसा समत्व को प्राप्त हुआ भक्त परमहंस पथ को प्राप्त कर लेता है। जो दुख और सुख के बीच में सहज रहना सीख लेता है, सुख के समय अथवा तो दुख के प्रगाढ़ अंधकार में भी जिसका विवेक न सोता हो, वही व्यक्ति परमहंस है। और ऐसे है हमारे श्री भरत लाल जी, इतने मधुर, इतने दिव्य कि जब भरत लाल जी के साथ चलते हैं ना, तो कभी रोने का मन करता है, कभी तो मन करता है कि राम जब मिलेंगे, जब मिलेंगे, यदि भरत मिल जाए तो एक बार गले लगा लूं बस। क्योंकि परमहंस को गले लगाया जा सकता है, भगवान के सामने झुका जा सकता है। परमहंस हुआ जा सकता है, भगवान को तो बस पाया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा उसको स्पर्श किया जा सकता है। यदि परमहंस पद मिल गया हो तो कभी थाली में खीर लेकर काली को खिलाया जा सकता है। क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथाम तुलसुधाम, पर परमहंस को उपलब्ध होने के लिए तो प्रत्येक क्षण उस परम पद को प्राप्त करने के लिए उन्मत्त होती हुई सी वो गाती रहती है। तो आइए उन दोनों मंत्रों को आज एक बार और गाते हुए हृदयंगम करने का प्रयत्न करते हैं। शमदम दयानिधाना तापस समदम दयानिधाना तापस शम दया Yeah.
पुरुष विभागा वंश रघुवंश तड़ाग गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे मानसरोवर है रघुवंश ऐसा ही एक मानसरोवर है। महाराजा दशरथ महाराजा अज दिलीप रघु पृथु ये सब मानसरोवर के वो किनारे हैं। रघुवंशियों का वो पावन चरित्र वो उस मानसरोवर का जल है। रघुवंश के द्वारा समाज में स्थापित किए गए सद्धर्म वो उस मानसरोवर के अंदर के मोती है। पर अभी तक उन मोतियों को उन रत्नों को स्वीकार करने वाला रघुवंश को मिला नहीं था। जब रघुवंश में श्री भरत जी आए तो भरत हंस रविवंश तड़ागु श्री भरतलाल जी वो मानसरोवर के हंस है वो राजहंस है जिसने जिनके होने से आज मानसरोवर सरोवर बन पाया। ये हमारा संसार भी एक छोटा सा सरोवर ही तो है। इस सरोवर में जब भगवान रामकृष्ण देव अथवा भगवान सुखदेव जी महाराज जब आते हैं तब ये सरोवर सच में सरोवर बन पाता है। तब ये जिंदगी के हर हिलोरे पर एक खुशबू आती है। तब सरोवर के उस हर तरंग के ऊपर मानो कि ब्रह्मानंद का संगीत बजने लगता है। वो द्रव्यमयी सरोवर ये द्रव्यमयी जगत ये तो द्रव्य है और द्रव्य है तो नाशवंत है। यदि कोई लहर उठी है तो एक दिन उस लहर को समाना है। यदि वो लहर बहुत ज्यादा ताकतवर हो तो ज्यादा से ज्यादा उस लहर को किनारे के साथ टकराना है फिर वो लहर समा जाती है। ये जो जिंदगी है ये तो वो लहर है जो कब आती है कब समा जाती है ये गिनती कर पाना बड़ा मुश्किल काम है।
पर जब उन लहरों के ऊपर कोई परमहंस आकर तैरता है तो वो लहर सुंदर बन जाती है। सन 1800 की वो लहर जिसमें भगवान रामकृष्ण देव पधारे, तो वो लहर आज भी हमारे लिए एक आदर्श बन गई, क्योंकि उसमें परमात्मा परमहंस बनकर आए। ये परमहंस कैसे होते हैं, ये परमहंस करते क्या है, बालपन है भरत जी का, रघुनाथ जी के साथ खेलते हैं और राघव के साथ खेलते खेलते जब वो आइए, स्वागत है आपका। परमहंस उसे तो परमात्मा प्रेम करते हैं, हमारी दृष्टि से हमें दिखता है कि परमहंस परमात्मा से प्रेम कर रहे हैं, पर भीतर की सच्चाई कुछ और होती है। बाल्यकाल है प्रभु का, अयोध्या के प्रांगण में राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न अपने बाल सखाओं के साथ खेलने के लिए निकलते हैं तो कहते हैं कि कैसे भी करके भगवान कभी भी भरतलाल जी के साथ खेलते नहीं थे,
दो विभाग हो ना, ये उधर से चलेंगे इधर से चलेंगे। अपने पक्ष में कभी वो भरतलाल जी को नहीं रखते थे। क्योंकि सच्चाई ये है कि जो बड़े होते हैं ना, जो बड़े होते हैं ना, वो तो हार के जीत जाते हैं, पर हम आप कभी कभी जीत के भी चिंता में पड़ जाते हैं कि सच में जीत गया। दो लोगों को पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं जीता कि हम आश्वस्त नहीं है। हमारे भीतर भले ही भगवान हो पर हम भगवान नहीं हैं, इसलिए हम आश्वस्त नहीं है। और जीव ही तो परमहंस की यात्रा करेगा, परमात्मा थोड़ी परमहंस की यात्रा करेगा। वो तो सरोवर है, वो तो समुद्र है, जिसके अनंत किनारों में ये पूरा संसार बसता है। तो कहते हैं कि जब खेलते थे सब, तो कैसे भी करके राम जी लखन को अपने पक्ष में ले लें और भरत जी को सामने रखें। हर जीव की मनोकामना होती है कि वो इस संसार में कभी भगवान की ओर से खेले, पर भगवान जिसको जिताना चाहता है, भगवान कभी उसको अपनी ओर से खेलने नहीं देता है, भगवान उसको सामने से ही खिलाता है। हमेशा भरत जी सामने से खेले, पूरा खेल हो, बड़ी रस्सा कस्सी हो जाए एकदम, और फिर हमारे राघव को कुछ ऐसा कौतुक कर दे कि वो खेल हार जाए, और जैसे ही राघव का पक्ष खेल हार जाता है, आइए स्वामी जी स्वागत है। तो भरतलाल जी सामने से खेल रहे हैं, अचानक से राम हारे, तो भरतलाल जी के पक्ष में जो बच्चे खेलते थे वो वहां पर पूरी उछल कूद मचा देते थे। अपनों को उछलते देखकर परमहंस भी उछलता है, और परमहंस जब छलांग लगाता है तब परमात्मा मुस्कुराता है। ऐसे ईश्वर हार कर जीतते हैं, ऐसे बड़े लोग हार कर जीत जाते हैं, और हम तो जीत जाते हैं, सफल हो जाते हैं, उसके बाद भी आश्वस्त नहीं हो पाते हैं कि मुझ जैसा व्यक्ति जीत भी सकता है। भरत जी के भी मन में बहुत बार ऐसा होता था, परमहंस हमेशा खुद जीतना नहीं चाहता है, परमहंस के भीतर की अंतरात्मा परमात्मा को विजयी होता हुआ देखना चाहती है।
कहते हैं कि भरत जी कभी कभी जिद पकड़ लेते थे राम जी के साथ खेलने की। बोले भैया आप जब हार जाते हैं ना और ये बच्चे जब आपको चिढ़ाते हैं ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तब परमात्मा परमहंस को गले लगाकर सांत्वना देते हैं, अरे भरत बेटा तू जीते या मैं जीतूं, मैं यदि जीत भी गया तो भी जीतेगा तो तू ही, और यदि मैं हार भी गया तो तू जीत ही रहा है। जो परमहंस होता है उससे परमात्मा प्रेम करते हैं, ऐसा जिनका बचपन बीता हो प्रतिक्षण प्रतिपल राघव की जो सेवा मिल जाए वो करने में तत्पर भरतलाल। आप भी जब साधना मार्ग पर उठोगे तो दिन रात आप माला नहीं फेराते हो, ऑफिस भी तो जाना पड़ता है, गैसोलीन के भाव कितने बढ़ गए हैं, सालाना 3,000 से काम हो जाता था अब तो 8,000 को भी पार कर गया है, सब ध्यान रखना पड़ता है, सब ख्याल रखना पड़ता है। उदारता अपनी जगह है, हकीकत अपनी जगह होती है। तो परमहंस भी कभी संसार में चलता है। एक दिन मामा ने बहुत बार कहा भरत अरे बेटा कभी तो दो दिन के लिए आ जाओ। तो कहते हैं कि एक बार भरत मामा के घर जाने को तैयार हो गए। शरीर तो जा रहा था, कई कई नरेश के द्वार पर अंतरात्मा वापस राघव की ओर जा रही थी। प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च महताम एक रूपता। यदि परमहंस प्रवृत्ति करे तब वो भीतर से एकदम शांत होता है, और परमहंस जब निवृत्त हो तो भीतर से बहुत ज्यादा उत्पात होता है। ये तो पाखंड प्रचुरे लोके, महाप्रभु वल्लभाचार्य ऐसा है ना, आज आम लोग ऐसा बोलते हैं जो दिखता है वो मालूम था, जवाब तो आएगा, ऐसा ही होता है। आप गलत नहीं हो, जवाब देते रहना, सब कुछ मैं ही बोलूं ऐसा थोड़ी। एक कथा मैं करूं एक कथा आपकी हो जाए ऐसा, ये तो प्रपंच की दुनिया है साहब। यहां तो दुनिया प्रपंच को देखती है और प्रपंचों से आकर्षित होती है। ऐसी प्रपंच पूर्ण दुनिया के अंदर शांत होकर बैठना या मुस्कुराना सच में बहुत बड़ी साधना है। ट्रेडमिल पर तो आप 45 मिनट भाग सकते हो,
पर कभी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठकर 45 मिनट अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिएगा। कल वहां शिवरात्रि गई है, आज का दिन भी अच्छा है, क्यों ना आज ही रात को ये प्रैक्टिस कर ली जाए। कोशिश करिए, करके देखिएगा। टेलीविजन देखते देखते 2 घंटे तक आपको नींद नहीं आएगी, पर श्वास पर ध्यान केंद्रित करते करते 10 मिनट में हवा की गुड़िया हवा में समा गई। कब समाधि लग जाएगी पता ही नहीं रहेगा। तो परमहंस जब संसार की ओर गति करता है तो उनका शरीर संसार में जाता है, उस समय घनीभूत उनकी चेतना काली के चरणों में स्थिर होती चली जाती है। उस समय परमहंस 2 विभिन्न किनारों की ओर यात्रा करता है। भरतलाल जी है कई कई नरेश के घर, महर्षि वाल्मीकि तो जब उसका दर्शन देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो भरत जी अयोध्या को भूल ही गए हो। पर उन वाल्मीकि को भी यह कहना पड़ा कि रात्रि के समय जब थोड़ा सा एकांत मिलता था तो उस एकांत में उन्हें प्रभु की परमात्मा की याद आया करती थी। इस प्रकार ऐसे श्री भरत जी, ऐसी रही उनकी एक परमहंस यात्रा। समय बीतता गया, और जैसे गोस्वामी जी कहते हैं गुण दोष विभागा, ये पूरा संसार गुण और दोष दोनों का एक मिश्रित स्वरूप है। लगभग मैंने रोज आपको एक बात कही है कि आप तो परमहंस पथ के यात्री हो। इस कथा के बाद ये जो दूसरों को नीचा दिखाने की जो प्रवृत्ति होती है, खुद की गलतियों को दूसरों के सर पर मढ़ देने का जो प्रयास होता है,
उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि दोष बाहर नहीं है। केवल गुण से यह संसार नहीं चलेगा, गुण और दोष दोनों की जो एक केमिकल रिएक्शंस जो होती होगी, जैसे मेडिसिन में बहुत सारे केमिकल्स को एक सही मात्रा में मिलाकर एक मेडिसिन बनाई जाती है, एक औषधि बनाई जाती है, वह औषधि यदि किसी रोगी को दी जाए तो वो रोगी को जीवन देती है। ये गुण दोष भले ही दो अलग अलग केमिकल हो, जब एक सही मात्रा में मिलती है तभी वहां पर एक जीवन प्रकाशित होता है। इसलिए दोष को दोष देना ये उचित नहीं होगा उन लोगों के लिए जो परमहंस की यात्रा करते हैं। जो हो रहा है उसी की मर्जी से हो रहा है। जो नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों के मध्य जिसको मुस्कुराने की आदत पड़ गई तो समझ लो कि उसने परमहंस को पा लिया है। तो घटना कुछ ऐसी हुई कि परमात्मा अयोध्या में है और भरत लाल जी कई कई नरेश के घर। यहां से भरत लाल जी की परमहंस यात्रा का आरंभ होता है। ये घटना मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि इसी फाउंडेशन के ऊपर उस परमहंस पद का शिखर लगने वाला है। ये ईश्वर कृपा इसके मूल में है। न केवल भरत जी राम जी से प्रेम करते हैं, सच्चाई तो कुछ और है। सच तो ये है कि भरत जी राम जी से क्या प्यार करें, राम स्वयं भरत से अथाह प्रेम करते हैं। ऐसा प्रेम न इस संसार ने कभी सुना न कभी देखा। एक दिन महाराजा दशरथ श्रवण समीप भये सित केसा, वहां से महाराजा दशरथ की एक लौकिक यात्रा आरंभ होती है और महाराजा दशरथ को मन में होता है कि अब उम्र हो गई, बहुत काम कर लिया, प्रवृत्ति में जाना, ये जितना अनिवार्य है उस प्रवृत्ति से निवृत्त होकर सुखद बाहर निकल जाना ये उससे भी ज्यादा अनिवार्य है। हमारे साथ उल्टा होता है, हम बहुत सारे प्रयत्न करके शुभ अशुभ प्रवृत्ति में कूद जाते हैं जैसे लड़ने निकले हो। यदि कुछ ना कर सके तो कम से कम टांग तो फंसा के रखना ही रखना है। हम प्रवृत्ति में जाते जरूर है फिर कभी निवृत्त होना नहीं सोचते हैं। जब व्यक्ति शिखर पर पहुंचता है तो वो स्वयं को अजर अमर महसूस करने लगता है, जैसे उसको कभी जाना ही नहीं। वो दूसरे को कुछ सिखाने का प्रयत्न ही नहीं करता है। वो कभी उठकर अपने आसन पर किसी को बिठाने के लिए किसी का आमंत्रण ही नहीं करता है, बल्कि आज इस प्रातःकाल परमात्मा देव जी बोल रहे थे ना
कि ऐसी एक बीमारी लग जाती है, आसन नाम की पूंछ साथ लटकाए फिरता है। प्रवृत्ति में जाना ये आपका धर्म है, और समय देखकर प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर चलना ये परमहंस का धर्म है। यदि आप परमहंस पथ के यात्री बनना चाहते हैं तो एक स्थान पर पहुंचने के बाद असारे खल संसारे, ये पूरा संसार, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये धन, ये दौलत, ये सब असार है, इसकी असारता को अनुभव करते हुए धीरे धीरे उससे निवृत्त होकर मुस्कुराते हुए एकांते सुखमास्यताम की आचार्य शंकर की वो यात्रा हमारी आरंभ हो जाए, उस दिन हमारे भीतर परमहंस मुस्कुराता है। और रघुवंश रविवंश तड़ागा, गोस्वामी जी के शब्दों में, तो रघुवंश का कालिदास कवि कुलगुरु कालिदास रघुवंश का परिचय देते हुए कहते हैं कि शैशवे भ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयेषिणाम वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। शैशवे भ्यस्त विद्यानाम, पहले शिक्षा को अर्जित करना, नहीं कि व्हाट्सएप थ्रू फ्रेंड सर्कल या फेसबुक पर लाइक्स। शैशवे व्यस्त विद्या नाम। आज मैंने एक और अच्छी बात सीखी, स्वामी परमात्मा देव जी और स्वामी ललितानंद जी बात कर रहे थे, दो बड़े लोग बात करते हो ना तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मृत्यु के विषय में कुछ बोल रहे थे, बड़ी अच्छी बात बोली कि एक विद्यार्थी ने शिक्षा में कितना ध्यान दिया है उसका पता जिस दिन परीक्षा का परिणाम आए तब लगता है। किसने पढ़ाई में ध्यान दिया है कि फेसबुक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा है, और व्यक्ति की खबर तब मिलती है जब मृत्यु का द्वार खुल रहा हो, उस समय व्यक्ति की चेतना कितनी शांत है, वो शांत चेतना दिखाती है कि जिंदगी में इस व्यक्ति ने कितनी साधना की है। ये साधना करने का ढोंग रचाना ये बहुत आसान है, पर इस साधना को अपने भीतर उतारना, ये दो बड़े महात्मा बातें कर रहे थे। और मुझे परमहंस मार्ग का एक सूत्र मिल गया कि व्यक्ति की मृत्यु प्रमाण है कि उस व्यक्ति की साधना कितनी रही। कहते हैं कि महाराजा दशरथ शैशवे व्यस्त विद्या नाम यौवने विषयेषि नाम, युवानी संकल्पों को पूरा करने का समय होता है, यह तय करने के लिए आप मत बैठिए कि ये होगा तो वो होगा ना, वो होगा तो वो होगा। अपने पास किसी एक मार्गदर्शक को जोड़ लीजिए। इस पूरी संसार में मेरे युवान भाई बहन, ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा, इस पूरे संसार के अंदर कोई एक व्यक्ति तो ऐसा जरूर होगा जिसकी हर बात आप मानते होंगे। यदि नहीं है तो ढूंढ लीजिए,
एक व्यक्ति ऐसा रखे इस पूरे दुनिया में कि यदि वो बोल दे कि बेटा रुक जा, तो चाहे कितना भी मन हो दौड़ने का, पर चूंकि उसने कहा तो अब थम जाना है। इसी को कहते हैं गुरु का सानिध्य, इसी को कहते हैं अध्यात्म यात्रा। अध्यात्म यात्रा का यह अर्थ नहीं होता है कि मुंड मुंडा ये तीन गुण, शिर की मीठे खाज, भोजन में इमरती मिले और लोग कहे महाराज, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। कोई एक ऐसा व्यक्ति हो हमारे पास जिसमें हम अपने सदगुरु को देखते हो, उनके मार्गदर्शन से जहां आपकी श्रद्धा हो, कोई ग्रंथ भी हो सकता है, कोई साधना पथ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, पर ऐसा एक व्यक्ति जरूर जिंदगी में कमाना, नहीं तो आपकी युवानी व्यर्थ हो जाएगी। यौवने विशेषिणाम, कैसा है रघुकुल, तो कहते हैं कि आप लोगों का मन न लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा स्पेन जाते हो, फ्रांस जाते हो, कनाडा जाते हो, अमेरिका जाते हो। बोले क्यों? बोले मन नहीं लगता है, थोड़ा मन लग जाए, होना चाहिए, करना चाहिए, पर वहां पर घूमते हुए एक मार्गदर्शक के साथ जुड़े रहना चाहिए, ताकि जीवन जब उत्तर को देखे उसके बाद मुझे और आपको भटकने की जरूरत न पड़े। आपका यही प्रश्न था ना? शुक्ल यजुर्वेद का एक मंत्र है कि उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते, शुक्ल यजुर्वेद की एक ऋचा, उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देव यंतस्त्वे महे, हे ब्रह्म, हे अनंत, हे परमात्मा, हे ईश्वर, बहुत हुआ बैठे बैठे, अब थोड़ा उठिए, उत्तिष्ठ, उठो, जागो, गतिमान हो जाओ मेरे लिए, उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते। क्यों? देवयंतस्त्वे महे, मैंने रोज सुबह उठकर तेरी पूजा की है, तू नहीं जागेगा तो कौन जागेगा, तू यदि हाथ ना पकड़े तो कौन पकड़ेगा, यदि तू ना बचाएगा तो कौन बचाने आएगा, यदि तू मुस्कुराहट बनकर न आया तो फिर कौन आएगा। देवयंतस्त्वे महे, क्या करना तुम? बोले उपप्रयंतु मरुतः, एक शाश्वत शांति की जो एक बहार होनी चाहिए, एक परम वैभव की एक प्रकाश जो होना चाहिए, मैं उस शाश्वत शांति के साथ उस परम वैभव को महसूस करना चाहता हूं। उपप्रयंतु मरुतः, अपने एसी को ऑन कीजिए, उपप्रयंतु मरुतः। कैसे? सुदानव, कौन कौन लोग होंगे उस बहार में? तो बोले इंद्र, प्राशु, भवा, सचा, ये चार देवता का नाम, उनकी अपनी अपनी व्याख्या है, जब आप पढ़ोगे तो उसकी व्याख्या तो आपको मिल ही जाएगी। उपप्रयंतु मरुतः, शैशवे भ्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषिणाम। तो वृद्धावस्था में क्या करना चाहिए? वार्धक्ये मुनिवृत्ति नाम, नजदीक में जो भी सेवा केंद्र हो, पास में जो भी अच्छा कार्य हो रहा हो, आपके नजदीक में जो अच्छे लोग हो, बस उनके साथ बैठिए, उनके साथ मुस्कुराइए। जहां सत्कर्म हो रहा हो वहां पर अपनी ओर से आप जितना सत्कर्म कर सकते हैं,
थोड़ा सा प्रयत्न करते रहिए। बहाने मत बनाइए कि क्या करे, सैटरडे संडे मिलता है और सैटरडे को तो फ्रेंड्स के साथ पब में जाना है, संडे को भी इवनिंग में बहुत बार जाना पड़ता है, कैसे करे। बहाने मत बनाइए, मंडे टू फ्राइडे तो आपका है, तो सैटरडे संडे आप किसी अच्छे स्थान पर पहुंच जाइए, झाड़ू लगा लीजिए, किसी का हाथ पकड़कर उसको सहारा दे दीजिए, किसी की सेवा कर लीजिए जैसा आपको आता हो। वार्धक्य मुनिवृत्ति नाम, ऐसा करते करते मन एकदम शांत होने लगेगा, क्योंकि हमने आज तक केवल अपने ही दुखों को अपने सर पर उठाकर दुनिया के सामने गाया है कि मेरा तो ऐसा न, मेरा तो ये हो गया न, मैं तो हरिद्वार जा रहा था, मेरा तो पॉकेट के, तो तू क्यों नहीं चला गया पॉकेट के साथ साथ, पैसे भी नहीं थे, दो दिन भूखे रहा, मन करता है कि रास्ते में तुझे एक अन्नक्षेत्र नहीं दिखा, दो दिन मन भूखा रहा, जहां उतर जाता वहीं कोई खिला देता, दो दिन भूखा रहा, मैं तो बीमार पड़ गया। ले अब पॉकेट में और बीमारी का क्या कनेक्शन है, ये पॉकेट से ये ड्रिप चढ़ाते हैं लोग, बीमार पड़ गया, गुरुजी के पास जाना था, लेट हो गया, गुरुजी निकल गए, तेरे जैसों के सामने निकल ही जाए, वो गुरु है ना, उनको सब पता होता है कि कैसा है। योगे नान्ते तनुत्ते जाम, मुस्कुरा दो प्यारो, ईश्वर ने आपको बहुत खूबसूरत जिंदगी दी है। तो महाराजा दशरथ के मन में एक विचार आया कि अब बहुत हो गया, अब अयोध्या का राजा मेरा राम बनेगा, नियम कि जो बड़ा लड़का हो वो राजा बने। राघव बोले हां पिताजी। बोले बेटा मैं चाहता हूं कि अब मैं हिमालय की यात्रा करूं, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम कनखल में जाऊं, दो दिन वहां अस्पताल की सेवा करूं, और भी बहुत सारे आश्रम हैं, उन सारे आश्रमों से होते 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 बद्रीनाथ धाम के दर्शन को, ऐसा उन्होंने लिखा नहीं है, मैं अपनी ओर से दिए जा रहा हूं और आप भी आनंद लीजिए, व्यासपीठ को इतनी छूट होती है तो मैं उसका थोड़ा सा लाभ ले रहा हूं। तो महाराजा दशरथ मुस्कुराए, तब कहते हैं कि ईश्वर को परमहंस की याद आ गई और राघव के आंखों में आंसू आ गए। पिताजी रघुवंश की वो सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है, रघुवंश तो रघुवंश है, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं रघुवंश की संतान हूं, पर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, भरत जैसा बेटा जिसको मिला हो उसे छोड़कर आप मुझे राजा बनाओ। नहीं महाराज ये ठीक नहीं है। तापस शम दम तापस शम दम परम सुजाना परमारथ पथ परम सुजाना परमारथ पथ
रथ परम सुजाना। हम बहुत भाग्यशाली है महाराज जी, आपका आगमन हुआ। अब धीरे धीरे भरोसा आ रहा है कि उस परमहंस का साक्षात्कार हो ही पाएगा। हमारी चर्चा परमहंस कैसे होते हैं वहां से चलती चलती अभी भरत लाल जी तक आई है। रामचरितमानस के दो परमहंस, एक श्री भरत लाल जी, दूसरे श्री हनुमान जी। तो परमहंस करते क्या है, परमहंस के साथ होता क्या है, इसका थोड़ा हम दर्शन कर रहे थे। राज्याभिषेक की सब तैयारियां हो रही थी। प्रभु श्री राम ने कहा कि भरत जैसा परमहंस जब मेरा भाई है तो अयोध्या के लिए तो उपयुक्त होगा कि भरत राजा बने। पिताजी ये बात, तब कहते हैं कि महाराजा दशरथ ने मुस्कुराते हुए श्री राघव को समझाया कि बेटा अनुशासन, एक संगठन, आपकी साधना पद्धति, एक संस्था, एक नगर, एक देश, एक अनुशासन के धागे से चलता है। यदि अनुशासन का वो धागा तोड़ दिया जाए ना तो आपकी साधना बिखर सकती है, आपकी व्यवस्थाएं डिगमिगा सकती है, आपके नगर अथवा तो आपके देश में अफरा तफरी हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि वो अनुशासन आपको पसंद है या नहीं है। पसंद हो तो मुस्कुराते हुए करिए, और ना पसंद हो तो जीएसटी के साथ वेट भी दे दीजिए। आपके पसंद होने से क्या होता है, मार्च एंडिंग तो आएगा ही आएगा, ये तो करना ही पड़ेगा। हर चीज हम अपनी पसंद के साथ जोड़े, अनुशासन बेटा ऐसे नहीं चलता है। ये अयोध्या का अनुशासन है कि जो बड़ा बेटा होगा वही राजा बनेगा। क्या बोलते राम? पर राम का ये बोलना यहां पर ये सिद्ध करता है कि संसार ये समझता है कि जो परमहंस होता है वो ईश्वर से प्रेम करता है। सच्चाई ये है कि यदि आप परमहंस के मार्ग पर निकल जाओ
यदि अपने अस्तित्व की साधना को थोड़ा सा ऊपर उठाओ, उसी दिन से परमात्मा आपसे प्रेम करने लग जाता है। निर्णय हुआ, वो घटना आप जानते हैं कि गई गिरा मति फेरी, देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि राम राजा यहीं बन जाएंगे तो जिस रावण के लिए ये सारी बात थी वो कहीं ऐसा ना हो कि, और गोस्वामी जी ने तो देवताओं को ऐसा लताड़ा, बोले सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। उनको चिंता बैठ गई, सरस्वती को भेजा, मुस्कुरा दो प्यारो, बड़ी शक्तिशालिनी देवी है सरस्वती, एक दिन है ना 32 दांत में से कुछ एक दांत थोड़े मजाकिया हो गए, 32 दांतों में से कुछ एक दांत थोड़े मजाकिया हो गए, मौका देखते ही वो जीभ को दे मारे, 2-3 बार तो जीभ को बड़ी तकलीफ हुई। फिर एक दिन जीभ ने कहा कि देखो ये आप जितना करोगे ना मेरा आप कुछ ज्यादा नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि इस आदमी के साथ अंत तक मैं ही रहूंगी, तुम नहीं। और दूसरी बात, ये तो हुआ एक नेचुरल डेथ, जब एक उम्र आती है ना तो दांत फिर वन बाय वन हमसे रिटायरमेंट लेके निकल लेते अपने घर, वो तो हुई नेचुरल डेथ। जीभ कहती है कि यदि मैं एक बार मजाक करूंगी ना तो ऐसा न हो कि आप सब लोगों को आत्महत्या करनी पड़ जाए, इसलिए अपने अपने अनुशासन में रहो। तो कहते हैं कि सरस्वती ने मंथरा की मति को फिराया, वो कई कई के पास गई और कई कई का मन बदल दिया। ये कथा बहुत बार आपने विस्तार से सुनी है, फिर कभी मौका मिलेगा तो हम भी सुना देंगे, पर चूंकि सुनी है और परमहंस पथ पे ये कई कई के पास ज्यादा बैठने में आपका कोई लाभ है नहीं, बस इतना याद रखिएगा कि समझदार आदमी कभी गलत आदमी से दोस्ती नहीं करता है। यदि आपको परमहंस पथ पर यदि आगे बढ़ना हो, भले ही आपके पास बहुत गिने चुने दोस्त हो जो आपके अपने हो, वो भी काफी हो जाएंगे, पर मोबाइल में टेलीफोन नंबर का लिस्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए उस चक्कर में किसी मंथरा से दोस्ती मत कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग आपको किसी मंदिर तक कभी नहीं लेकर जाएंगे, ऐसे लोग जब भी उनको मौका मिलेगा आपको जब तक कोप भवन के अंधेरे में न डाले तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। इसलिए परमहंस पथ पर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति या तो अकेला चलता है, एक साधु जब उठता है तो अकेले उठता है, अकेले चलता है, और यदि साधु कभी किसी की संग करता है तो वो भी किसी साधु चरित का ही संग करता है, क्योंकि उसको परमात्मा को उपलब्ध होना है। कई कई का संग हुआ, मंथरा का संग हुआ, कई कई कोप भवन में गई। यहां पर एक और भी शिक्षा हमारे लिए है, कुछ लोगों को देखना, कभी आप इंग्लैंड जाओ ना तो मिश्रित भाव से कैब, ये जरूरी है, कैब वाले को बस इतना बोल दो वेदर,
बाद में वो लेस्टर से लंदन आपको पहुंचा देगा, बस वो बोलेगा आप सुनते रहो। और उसके प्रवचन की शुरुआत ट्रिपल W से होगी, वो थकेगा नहीं। लंदन आकर आप थक जाओगे, भैया मुझे यहां उतार दे, मैं थोड़ा पैदल चलना चाहता हूं। जरूरत से ज्यादा परमहंस पथ का यात्री कभी बोलता नहीं है। और जरूरत से ज्यादा जब कोई व्यक्ति बोलता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा हादसा होता है कि ईश्वर उसके हाथ से छूट जाता है। 80 साल की उम्र में महाराजा दशरथ को यह कहने की क्या जरूरत पड़ गई? आप सोचो, एक 80 साल का बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी को कहता है कि अरे गजगामिनी, कैसा लगेगा? 22 साल का नौजवान नया नया विवाह करके आया है, वो यदि अपनी पत्नी को कहे, अब वो स्टिक हाथ में लेकर चलती है उसकी पत्नी, क्योंकि वो यदि 80 साल का है तो उसकी धर्म पत्नी 75 की तो होगी, कमर से मुड़ गई है। और महाराजा दशरथ उसके लिए कहते अरे गजगामिनी, और वो गजगामिनी ऐसी माथे पड़ी कि ईश्वर का साथ छूट गया। न केवल इतना, महाराजा दशरथ का देह भी छूट गया, जिंदगी गई, ईश्वर गया, और परमहंस का ये जो पथ था उस मार्ग से महाराजा दशरथ भटक गए। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो जरूरत से ज्यादा बोले नहीं। शास्त्र तो कहता है कि मौने मौनी गुणिनी गुणवान पंडिते पंडितो सो, व्यक्ति को मौन होना चाहिए। व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि कब मुझे बोलना है, और व्यक्ति को पता होना चाहिए कि अब मुझे मौन हो जाना है। तो मुझे भी अब ऐसा लगता है कि दो क्षण हरि नाम का आश्रय लेकर हमारे पूज्य चरण महंत रविंद्रपुरी जी महाराज आए हैं। यदि उनसे आशीर्वाद मिल जाए तो आपका आशीर्वाद परमहंस मार्ग पर हमें अग्रसर होने के लिए थोड़ी शक्ति प्रदान करेगा। तो राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण भगवान विष्णु के
मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अवतरण श्री राम कथा का आयोजन और रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम का यह पवित्र प्रांगण व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी, इस संस्था के सुयोग्य संचालक पूजनीय विश्वेश्वरानंद जी महाराज, सभी संस्था से जुड़े हुए संतगण, महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद गिरि जी महाराज, पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी, और इस यज्ञ में जिन्होंने आहुतियाँ दी हैं और इस एक ऐसे ग्रंथ के वर्णन का आपके हृदय में समाहित हो रहा है, श्रवण करने वाले सभी भक्तगण, भक्तिमती माता और बहनों, भगवान श्री राम का जीवन अपने आप में ही मर्यादाओं से भरा हुआ रहा है। परसों मैं एक पुराना फोटोग्राफ देख रहा था, जब ब्रह्मलीन परमहंस इस संस्था को जिन्होंने स्थापित किया, उनके पूज्य गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, अखाड़े की भाषा में उनको रामकृष्ण पुरी ही कहा जाता था, तो उनकी जो अंतिम यात्रा का फोटो था, जब उन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर को त्यागा, वो फोटो मैं देख रहा था। स्वामी विवेकानंद जी सहित जो सन्यासी थे वो आसपास सब खड़े थे, तो मेरे मन में ये स्मरण हुआ कि स्वामी जी का बार बार फोन आ रहा है, शायद उस दिव्य महान विभूति की उस पवित्र आत्मा का भी मुझे आदेश हो रहा है कि एक दिन कुछ क्षण के लिए मैं भी राम कथा का रसपान करूं। और महाशिवरात्रि का पावन पर्व, दक्षेश्वर महादेव भगवान शिव की ससुराल पवित्र नगरी कनखल में फाल्गुन मास में राम कथा का श्रवण आपको मिल रहा है। भगवान शिव से पार्वती ने प्रश्न किया था, 24 घंटे भांग खा करके ध्यान में बैठे रहते हो, किसका ध्यान करते हो? एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, एक दिन भगवान शिव थोड़ी सी आंखें खोली, बोले थोड़ा भांग ला कर रखो पार्वती, ध्यान टूट रहा है। बोले मैं यही तो पूछ रही हूँ, ध्यान किसका कर रहे हो? लास्ट में भगवान ने देखा, राजहठ, त्रियाहठ, योगहठ और बालहठ, चार प्रकार का हठ होता है, राजा का हठ, स्त्री का हठ, बच्चे का हठ और योगी का हठ। भगवान जानते थे स्त्री अगर हठ पकड़ ले तो उसके आगे सरेंडर होना पड़ता है, जैसे कैकेयी के सामने दशरथ को सरेंडर होना पड़ा, भले उसकी भावनाएं गलत थी लेकिन पार्वती की भावनाएं शुद्ध थी। तो वो भगवान शिव से कहते, नहीं आज तो मुझे आप बता ही दो, उसके बाद ही भांग मिलेगी आपको, या आप भजन किसका करते हो? तब भगवान शिव कहते, मैं राम का भजन करता हूं। तब पार्वती कहती है, कौन से राम का? दशरथ वाले राम का, अज वाले राम का, कि दिलीप वाले राम का? तो राम वही है जो अजन्मा है, अविकारी है, साकारी भी है, कौशलेंद्र के रूप में जिसका जन्म हुआ और जो हमारे रोम रोम में रम रहा है। उसकी लीलाओं का वर्णन, पंचभौतिक शरीर भगवान ने जब धारण किया और जिस कार्य के लिए वो हुआ, इसमें जितनी भी बुराइयों का वर्णन उत्तर भारत में किया जाता है रावण के विषय में, रावण का तो पूर्वार्ध लास्ट समय था वो, क्योंकि रावण ने युद्ध लड़ा राजा दशरथ से दो बार और उनके पिता आज से भी लड़ा, तो इससे अनुमान लगाओ कि वो एक विद्वान ब्राह्मण, लेकिन जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो मनुष्य का पतन होता है। और ये राम कथाएं, ज्ञान चर्चा, संतों का सत्संग, महापुरुषों का आशीर्वाद जब हमें प्राप्त होता है तो हमारे शरीर में बैठे हुए जो रावण हैं, जो मेघनाथ हैं, जो कुंभकर्ण हैं, उनका क्षमन होता है। क्योंकि जीवन में अगर बुराई नहीं है तो अच्छाई की कोई कीमत नहीं है, अगर छाया नहीं है तो धूप का कोई अस्तित्व नहीं है, रात्रि नहीं है तो सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन की यात्रा को चलाने के लिए संसार का जो सिस्टम है, आज के समय में नहीं प्राचीन काल से ही, रामायण अपने आप में एक संपूर्ण ग्रंथ है जिसमें हर शिष्य का क्या कर्तव्य है गुरु के प्रति, एक गुरु का क्या कर्तव्य है शिष्य के प्रति, एक राजा का क्या दायित्व है समाज के प्रति, एक पिता को कैसा होना चाहिए, स्त्री का क्या धर्म है, माँ का क्या धर्म है, समाज का जितना भी भाग है हमारा, संपूर्ण रामायण में उसका चित्रण है। मैं कहता हूँ तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है, जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए वो, तो एक
ब्रह्म राक्षस था, भूत जिसको कहते हैं, पीपल के पेड़ पर रहता था। तुलसीदास जी रोज वहाँ साधना करते थे। एक दिन उसका साक्षात्कार हुआ। उसने कहा, तुम भगवान का साक्षात्कार करने वाले हो और तुम्हारी मुक्ति का मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम मेरे को अपनी मुक्ति का मार्ग बताओ। तो उसने कहा, मैं हनुमान जी को ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, मैं हनुमान जी की पहचान बता दूंगा, उसके बाद ही मेरा मोक्ष होगा। तो जैसे हनुमान जी राम कथा जहाँ होती थी, आज भी भगवान श्री राम का आशीर्वाद है उनको कि जहाँ जहाँ मेरे नाम का संकीर्तन होगा हनुमान, तुमको वहाँ अवश्य उपस्थित रहना है। तो यहाँ भी किसी न किसी रूप में हनुमान जी की उपस्थिति जरूर रही होगी, क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख आता है, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्ते चिरंजीवी अष्टम च मार्कंडेय ऋषि। तो वो चिरंजीवी महापुरुष हैं। तो जब तुलसीदास जी को साक्षात्कार हुआ, हनुमान जी से उनका संवाद हुआ एक कोढ़ी के रूप में, सूक्ष्म में मैं कहूँगा, तब तुलसीदास जी ने कहा, मैंने ये रामचरितमानस लिखा है, रामायण के ऊपर मैंने शोध किया है मेरी आत्मा और मेरे भजन और मेरे गुरु के आशीर्वाद के द्वारा। इसमें कितनी सत्यता है इसको आप ही प्रमाणित कर सकते हैं, क्योंकि आप उस काल से यहाँ रहते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं, मैं तो राम जी से मिला हूँ वनवास काल में, उसके पहले का जो घटनाक्रम है उसका उल्लेख मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो भक्त हूँ, मैंने तो भगवान के चरणों के अलावा ऊपर से ध्यान ही नहीं किया है, इसलिए मैं तुमको रास्ता जरूर बताऊँगा। तब हनुमान जी कहते हैं, मणिकर्णिका घाट जाओ और वहाँ अघोरी जो रहते हैं उसमें भगवान शिव एक बार रोज आते हैं अघोरी के रूप में, वहाँ तुम्हारा साक्षात्कार शिव से होगा और भगवान शिव ही इसको संपादित कर सकते हैं कि वास्तविकता में ये रामायण जो रामचरितमानस आपने लिखा ये सत्य है या नहीं है। एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, तीन दिन, चौथे दिन तुलसीदास जी को थोड़ा सा आभास हुआ कि ये जो साधु सबसे अलग दिख रहा है, तो सर्वभंगी जो हमारे यहाँ एक अघोर पंथ की परंपरा है, सन्यासियों में ही होती है, बाह्य रूप से वो दिखते हैं, अंदर से अघोरी नहीं होते हैं। उस तुलसीदास जी जाके पैर पकड़ लिए, बोले, महाराज आप ही शिव हो? अरे बोले, नहीं नहीं मैं कहाँ शिव, बोले, नहीं महाराज आप ही शिव हो। हनुमान जी ने दूर से इशारा किया कि यही शिव है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शिव पुत्र हैं। तो तुलसीदास जी ने चरण पकड़े, भगवान ने अपना आशीर्वाद दिया और तुलसीदास जी की आंतरिक चेतना जागृत हुई। तो उसने कहा, मैंने प्रभु श्री राम के चित्र का वर्णन किया है, चरित्र का वर्णन किया है, उस काल की घटनाओं का मेरी लेखनी बुद्धि और विवेक के आधार पर एक छोटे से ग्रंथ का मैंने संपादन किया है। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो जिस काल में राम से मिला हूँ उसके बाद की घटनाओं का वर्णन कर सकता हूँ, पहले का जो काल जन्म से लेकर के उस घटनाक्रम शादी तक का और वनवास की शुरुआत का, उसका वर्णन हनुमान जी ने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए प्रभु मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इसको संपादित करें। तो भगवान शिव कहते हैं, तीन शब्द लिखते हैं वो, सत्यम शिवम सुंदरम। रामचरितमानस को किसने मोहर लगाई? भगवान शिव ने। तो भगवान शिव की नगरी में राम कथा व्यास जी के द्वारा आपके हृदय में समाहित की जा रही है। मुझे स्वामी जी का बार बार आग्रह हुआ, लेकिन थोड़ा शिवरात्रि की व्यस्तताएं थी, और नहीं तो ये एक ऐसी जीवंत कथा है जीवन में जितनी बार भी सुनी जाए कुछ नया प्राप्त होता है। बहुत से मैंने कथाकारों के मुख से भगवान श्री राम की कथा सुनी है, कहीं ना कहीं आचार्य तुलसी और हनुमान जी का वास उनके हृदय में रहता, तभी वो राम कथा कर पाते हैं, क्योंकि दो ही भक्त ऐसे हुए हैं हनुमान और तुलसी जिन्होंने राम का साक्षात्कार किया। तुलसी जब वृंदावन आए सूरदास से मिलने, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको राम के दर्शन कराता हूँ। उसने कहा, नहीं तुम तो कन्हैया के दर्शन करा रहे, मुझे राम के दर्शन करने। तो कहते हैं, प्रतिमा के अंदर जो बंसुरी वाले थे वो धनुषधारी हो गए। तो भाव में इतनी शक्ति है, तो अगर भाव से किसी श्रद्धा से समर्पण से किसी भी कथा का हम श्रवण मनन मंथन करते हैं तो हमारे जीवन का कल्याण होता है। तो कृष्ण जी की प्रतिमाएं भी अगर राम का स्वरूप धारण कर सकती हैं कलयुग में भावनाओं से और श्रद्धा से, तो आप लोगों के जीवन का कल्याण होगा। इस राम कथा के माध्यम से कनखल के इस पवित्र नगरी में कहते हैं वाणी का स्पंदन, ध्वनि की जो तरंगे हैं वो सारे एटमॉस्फेयर को शुद्ध करती हैं, और ये तो अपने आप में एक नारायण सेवा का संस्थान है। यहाँ जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है उसके साथ में संतों के द्वारा इसका संचालन हो रहा है, और स्वामी विवेकानंद जी ने जिस भाव से अपने गुरु का नाम करके इस संस्था का संस्थापना की थी। मैं लगभग बहुत जगह मिशन के शाखाओं में गया हूँ, सभी सन्यासी वृद्ध हों या युवा, एक ही भाव है नारायण सेवा, नर सेवा, यानी नर की सेवा ही हम करेंगे तो उसमें ही नारायण का निवास है। तो जो राम को पार्वती ने कहा शिव को,
और शिव ने जो पार्वती को कहा रोम रोम में जो राम बस रहा है मैं उसी का भजन करता हूँ पार्वती, तो भगवान राम के चरित्र का जितना भी वर्णन किया जाए, जितनी बार भी किया जाए, जितनी बार भी सुना जाए, वो हमारे जीवन को राम में कर देता है। पुनः एक बार आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, इस पवित्र ग्रंथ की लीलाओं का वर्णन सुनने का आपको अवसर प्राप्त हुआ, स्वामी जी के लिए बहुत बहुत आभार, और जो भी सन्यासी इस आश्रम में रहते हैं सबको मेरा प्रणाम, व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी को भी बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम, सभी संगीतकार बंधुओं को और जिन लोगों ने इस कथा के आयोजन में कायिक मानसिक वाचिक रूप से सहयोग दिया उनके लिए सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। पुनः एक बार इति शुभम। बहुत सद्भाग्यशाली है महाराज जी, आपके आशीर्वाद हमें प्राप्त हुए। अब भरोसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं परमहंस पथ हमें भी मिल जाएगा। आइए पुनः कथा में प्रवेश करें उससे पहले एक क्षण के लिए हरि नाम। राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय 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 राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि, 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 हरि, राम कृष्ण 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 हरि, जय जय 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 राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि,
कैकेयी के कारण चौदह बरिस राम बनवासा एक घटना हो जाती है। सुमंत को भेजा जाता है कि वो समझा कर वापस ला सके। पर वो सफल न हो पाए। परिणाम ये रहा कि राम विरह में महाराजा दशरथ का शरीर छूट गया। आज अयोध्या की एक ऐसी स्थिति आ गई कि महाराजा दशरथ के चार चार पुत्र मृत्यु के समय चार में से एक भी उपस्थित नहीं। गुरु वशिष्ठ को खबर पहुंचाई गई और गुरु वशिष्ठ ने परमहंस भरतलाल जी को वापस बुलाया। जैसे परमहंस अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं, जैसे परमहंस अपनी अवस्था में स्थित रहते हैं, यही है साधना सूत्र कि हम निज बोध में अवस्थित रहे। इससे पहले भी हमारे अतुल भाई मेहता और जयश्रीबेन व्यास और उन सब के कारण मुझे यहां आने का अवसर मिला है। अभी तो मैं इतने दिनों से यहां हूं, आप लोग तो यहीं रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि रामकृष्ण मठ के जो साधु है, सन्यासी जो है, वो कितने सरल है, इतने सहज, कोई अहंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं। इन साधुओं को जब यहां देखते हैं ना, तो दूर से जब ये आते हैं तो ऑरेंज कपड़े पहनते हैं, माताएं भी पहनती हैं कलर कलर के कपड़े, तो जब इनको आते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे मां आ रही हो। इतनी करुणा, इतनी सहजता, इतनी सरलता। क्योंकि जो सच्चा साधु होता है ना, वो निज बोध से आश्वस्त होता है। वो कभी किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं करते हैं। श्री भरत जी जब आए और कैकेयी ने महाराजा दशरथ की मृत्यु की वो पूरी घटना जब बताई, और बताते बताते एक स्वार्थी, एक विषय वासनाओं में डूबा हुआ व्यक्ति और क्या बयान दे सकता था। यही तो बयान दे सकता है ना कि सब कुछ मैंने ठीक करने का प्रयत्न किया बेटा, पर कुछ एक बातें विधि ने आकर बिगाड़ दी। मैं तो सब सही कर रहा था, मैं तो कभी गलत हो ही नहीं सकता हूं। जो मोह में डूबा है, जो वासनाओं में डूबा है, जो कुचेष्टाओं में डूबा है, वह व्यक्ति तो यही समझता है कि जितना भी अच्छा हुआ सब मैंने किया। पर ये जो कुछ बात बिगड़ गई, पता नहीं आज हमारा दिन ठीक नहीं था, हमारा दुर्भाग्य था कि बात हाथ से बिगड़ गई। मुस्कुरा दो प्यारो, जो परमहंस के मार्ग पर चलता है वो अपने से इतना आश्वस्त होता है कि वो हर बात की जिम्मेवारी स्वयं अपने पर लेकर चलता है।
और ऐसा व्यक्ति जब मां काली के सामने अपने आंसू बहाए तो वो पाषाण प्रतिमा जीवित होकर अपने हाथों से भोजन ग्रहण करती है और भगवान रामकृष्ण देव को भोजन कराती है। यह घटना तभी संभव है, पर इन परमहंसों को भी समाज के उन उत्पातों से दो दो हाथ होना पड़ता है। यहां भरत जी के साथ भी यही हुआ, कैकेयी की वासना भरत जी की अंतरात्मा को जला रही है, भीतर से इतनी वेदना, उस वेदना के कारण आज भरतलाल जी को वैराग्य का मार्ग पकड़ना पड़ा। तू आज से मेरी मां नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। मां कौशल्या के पास भरतलाल जाते हैं, मां समझाती है, जब राजभवन में राजसभा में पहुंचते हैं भरतलाल जी, तब गुरु वशिष्ठ श्री भरत को समझाते हैं कि भरत, जो व्यक्ति के भाग्य में जैसा लिखा हो उससे उन घटनाओं से होकर निकलना पड़ता है। बेटा, आपके पिताजी ने अपने अंतिम समय, जो अंतिम आदेश अवध नरेश का जो निकला, वो अंतिम आदेश यही था कि आप राजा बनोगे। पिता को प्रसन्नता होगी यदि आप राजा बनो। जो राम वन में गए हैं उनका वनवास सार्थक होगा, आप राजा बनो। अयोध्या के ये प्रजाजन जिनका कोई अब आधार नहीं रहा है, इस समाज का क्या दोष, उनको आपका सहारा मिल जाएगा। संकोच को छोड़िए, कुछ मंत्रियों ने कहा कि संकोच को छोड़िए, प्रभु श्री राम के मन में भी आपके प्रति विश्वास होगा, तभी तो वो कैकेयी की बात को मानकर गए। बाकी लखन ने तो खड़ग उठा लिया था, दो क्षण लगती। इस संसार में वो कैकेयी और मंथरा जीवित ही न रह पाते, और वहीं के वहीं महाराजा दशरथ का वो निर्णय निकल आता। उस समय लखन के खड़ग को पुनः म्यान राम ने करवाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं राघव को भी आप पर भरोसा था। इसलिए भरत, संकोच छोड़िए, राजपद का स्वीकार कर लीजिए। रानी रासमती की ओर से मथुरदास हर महीने काली मंदिर में जितने पुजारी अर्चक वर्ग उन सबका वेतन देने के लिए आते थे, एक व्यवस्था कि जो भी वेतन लेने आएगा उसको रजिस्टर में सिग्नेचर करनी पड़ेगी। जब रामकृष्ण देव को यह पता चला तो कहते हैं कि वो हर बार कोई ना कोई बहाना लगा लेते थे, पर वो कभी वहां सिग्नेचर करने नहीं गए। उनका वेतन रुका हुआ रहा, जैसे हम आप जिंदगी जीते हैं ना, इन्हीं रास्तों से होकर
परमहंस का मार्ग निकला था। पर मन में एक विचार कि जिस अर्चक के मार्ग पर मां काली का हाथ हो उसको भला किसी मथुरदास के पास जाने की क्या जरूरत है। उनका कोई मथुरदास से कोई विरोध नहीं था, रोज मिलते थे और मथुरदास को भी उनके प्रति अथाह स्नेह, ऐसी कोई बात नहीं। परमहंस मार्ग में स्नेह अपनी जगह होता है और यथार्थ अपनी जगह होता है। प्यार के नाम पर, व्यवस्थाओं के नाम पर परमहंस कभी अपने यथार्थ को नहीं छोड़ता है। सुनाहूं भरत भावी प्रबल, बेटा क्यों रोते हो, जो ईश्वर ने लिख दिया। तब कहते हैं कि आंसू पोंछते हुए भरत कहते हैं कि यदि विधि ने लिखा है, यदि राम मुझसे छूट जाए तो मैं विधि के लेख के ऊपर मैं शरणागति का एक और नया अध्याय लिखूंगा, पर मुझे ये अयोध्या की शासन नहीं चाहिए। खूब मनाया गया, पूरा एक प्रकरण चला। अंत में भीतर का परमहंस सचेत होता है और भरत की विनम्रता को देखिए, पूरी सभा के सामने अकेले उठे, पूरी सभा खचा खच भरी थी। उस सभा में भरत लाल उठे हैं, अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगे कि मेरी बात से यदि आप बुरा मानो तो क्षमा करना, मैं सबसे पहले गुरुदेव के उन पावन चरणों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि सच तो यह है कि गुरु आज्ञा के आगे चलना थोड़ा कठिन होता है, पर यह मार्ग व्यवहार का मार्ग नहीं है, यह मार्ग तो परमहंस का मार्ग है। यहां पर तो कभी कभी व्यक्ति चलता है उसको बैठा हुआ माना जाता है, और कभी कोई बैठ जाता है उसे दौड़ता हुआ माना जाता है। तो क्षमा कीजिएगा, मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं गुरु के वचन से आगे निकलूं, मेरी हिम्मत भी नहीं है कि मैं गुरु वचन को उत्थापित कर सकूं। मेरे समस्त जिनके साथ बैठकर मैंने राजनीति सीखी, ऐसे विद्वान मंत्रिमंडल जिन्होंने पूरा जीवन मेरे पिता महाराजा दशरथ के साथ राजनैतिक निर्णय लिए, उन राजनैतिक निर्णय लेने वालों को भी मैं आज प्रणाम करता हूं कि मुझे क्षमा करना, मैं आज आपके इन राजनैतिक निर्णयों के झांसे में नहीं आने वाला। और मां कौशल्या का नाम लेते लेते भरतलाल जी की आंखें भर आई। मां, कल पूरी रात तूने मुझे समझाया, मैंने बहुत विचार किया कि मैं तेरी बात मान जाऊं, पर मेरी अंतरात्मा नहीं मानती है। ईश्वर के बगैर जीव एक क्षण भी यदि जीवित रह जाए तो वो जीवन श्रापित जीवन होता है, और मां मैं जितने दिन जीऊं मैं श्रापित जीवन नहीं जीना चाहता, मुझे राम चाहिए। और इसलिए इस सभा में बैठे समस्त अयोध्या वासियों को मैं विनम्र भाव से कहता हूं कि मैं कल प्रातः काल होते ही राम को वापस बुलाने के लिए चित्रकूट की यात्रा के लिए निकल रहा हूं। यदि आपका मन हो तो आप भी मेरे साथ इस यात्रा पर निकल सकते हैं। कहते हैं कि इस सभा में जितने लोग बैठे थे, ये पूरी सभा अपने आसन से खड़ी हो गई। ऐसा जयकार तो कभी महाराजा दशरथ का नहीं हुआ,
जितना जय घोष आज इस सभा ने परमहंस भरत लाल का किया। भरत धन्य है आपको कि आपने ऐसी स्थिति में भी हमें परमार्थ पथ पर जोड़कर रखा। परमारथ पथ परम सुजाना, वो हर क्षण हर घटना में हर स्थिति में वो परमार्थ पथ को नहीं छोड़ते हैं। उस समय वो ये नहीं सोचते किसका परिणाम क्या निकलेगा, उस समय बस वो इतना सोचते हैं कि एक परमहंस को क्या करना चाहिए। कहते हैं कि जाना तो वन में था, बड़भागी वन अवध अभागी, जाना तो वन में था। आज से कुछ दिन पहले यही अयोध्या वन की ओर प्रस्थान करने के लिए स्वयं परमात्मा का अनुगमन कर रही थी, जिसके आगे स्वयं राघवेंद्र सरकार चल रहे हो। हरि का हाथ पकड़कर अयोध्या निकली जरूर, पर तमसा नदी के किनारे पहुंचते पहुंचते अयोध्या भटक गई। या आप ये कह सकते हो कि हरि ने साथ तो दिया, तमसा नदी के बाद हरि ने उनको छोड़कर निकल गए। याद रखना, जिंदगी जीने के लिए, एक शाश्वत शांति का अनुभव करने के लिए आपका काम उन देवताओं से, उन भगवानों से नहीं चलेगा, उसके लिए तो आपको किसी परमहंस के शरण में जाना पड़ेगा। क्योंकि परमहंस जिसका भी हाथ पकड़े उसको जीवन दे देता है। ऐसे परमहंस की शरण में जब अयोध्या आई तो उस रात भी अयोध्या तैयारी कर रही थी। जब राम के साथ जाना था, कितनी बड़ी बात है कि राम के साथ जाना था, पर उस दिन अयोध्या रो रही थी। उस दिन अयोध्या में स्वार्थ था। एक लंगड़ा आदमी आया, उसने दो जवानों को कहा कि भैया यहां शमशान में क्यों छोड़ के जा रहे हो, थोड़ा सा सहारा दे देना, थोड़ा मैं खुद लड़खड़ा के चल लूंगा, अरे लौट लूंगा, पर मुझे भी राम के साथ ले जाना। तो कहते हैं कि राम का अनुगमन करने वाली अयोध्या को वो लोग, वो वृद्ध, वो अशक्त, वो भार करने लग गए थे। अरे क्या इनको लेकर जाएं, खुद तो चल नहीं पाते हैं, माथे पड़ेंगे। हरि के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जब स्वार्थ पर उतर आए, तब उस व्यक्ति की यात्रा तमसा के किनारे भटक जाती है। वही अयोध्या, वही रोने वाली अयोध्या, वही तड़पने वाली अयोध्या आज भरत का अनुगमन करती है। और जब भरत के साथ अयोध्या चलने के लिए तैयारी कर रही थी, तो रात भर अयोध्या राघव के गीत गा रही थी, रात भर अयोध्या नाच रही थी, रात भर अयोध्या में उत्सव हुआ। और सब इसलिए प्रसन्न थे क्योंकि भगवान ने भले ही हमें छोड़ दिया हो, परमहंस ने हाथ जो पकड़ लिया, अब वो हमें भगवान से एक बार मिलाकर छोड़ेंगे। परमहंस पर समाज को भरोसा होता है, वही भरोसा अयोध्या को भरत के साथ था। आज किसी को किसी से कोई फरियाद नहीं थी। एक बुजुर्ग रो रहा था, बोले उस दिन तुम ले लिए बगैर गए थे। तो कहते हैं कि एक जवान ने आकर कहा,
चिंता मत करो, भगवान के साथ नहीं परमहंस के साथ भगवान से मिलने जा रहे हो। और जिस दिन परमहंस हाथ पकड़ते हैं, सच्चाई तो यह है कि परमहंस अयोध्या से चलता है तो भगवान चित्रकूट से वापस लौटता है। बोले सबके लिए, भरत जी ने जाते वक्त कहा था ना कि वाहन जितना भी जिसके पास जो व्यवस्था हो सुबह लगा देना, ताकि जो लोग नहीं चल पाते हैं वो भी यहां छूट न जाए। जब भरत ने अयोध्या छोड़ी तो कहते हैं कि पूरी अयोध्या श्मशान बन गई। जब भरत ने अयोध्या छोड़ी तो कहते हैं कि अयोध्या में श्मशान की राख की जगह धूल उड़ने लगी। राम के जाने के बाद लोग रोए, राम के जाने के बाद लोगों ने अन्न जल छोड़ा, राम के जाने के बाद किसी की मृत्यु न हुई, पर जब भरत जा रहे थे तो जो जिंदा थे वो तो निकल ही रहे थे, किंतु जो स्थूल पत्थर जो चल नहीं पाते थे उन्होंने अपने तेजस को छोड़ दिया, क्योंकि भरत जा रहे थे। प्रातः काल हुआ और भरत लाल जी की यह यात्रा प्रातः काल होकर आरंभ हुई। अभी दो दिन पहले जिस बेटे ने धक्का देकर ये कहा था कैकेयी को कि अरे कैकेयी, अरे तूने राम को वन में भेजा, मेरे प्रभु को तूने दुख दिया, तू आज से मेरी मां नहीं हो सकती। ये भरत के शब्द थे कि मुझे शर्म आती है कि दुनिया कभी आपके नाम से मेरा नाम जोड़ेगी। जिसने अभी दो दिन पहले धक्का दे दिया था, आज सुबह जब हुई तो अयोध्या में से राम को मिलने के लिए जो लोग निकले उसमें सबसे पहली कैकेयी निकली थी। भरत खड़े थे और जब कैकेयी को आते हुए देखा, उस समय भरत दौड़कर कैकेयी के पास गए, मां झुक गया उनका सर, बोले बेटा। तब उस परमहंस ने कैकेयी जैसी नारी को भी गले लगा लिया और कहा, सबसे पहले आप शिबिका में बैठो, हम सब चलेंगे। गलती किससे नहीं होती है, गलती तो हर व्यक्ति से हो जाती है, जो सुधारने की हिम्मत रखता है ना वही परमहंस के मार्ग पर चलता है। हम साथ चलेंगे। एक एक करके अयोध्या आती गई। गुरु वशिष्ठ रथ में बैठे और जब गुरु वशिष्ठ रथ में बैठे तब कहते हैं कि यात्रा का आरंभ हुआ। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि इस राम यात्रा का यहां से आरंभ हो रहा है और पूज्य चरण जूना पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरिजी महाराज का यहां पर आगमन हो रहा है। इस जब हमारे जीवन में संतों का आगमन होता है तो समझना कि राम प्राप्ति बहुत दूर नहीं है। तो आइए एक क्षण के लिए, हरे राम कृष्णा हरी राम कृष्णा
हरि राम कृष्ण 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 हरि जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय 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 राम कृष्ण हरि 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 तो सज्जनों मुस्कुराइए जूना पीठाधीश्वर पूज्यपाद अवधेशानंद गिरिजी महाराज का भी आश्रय इस परमहंस यात्रा में हमें मिला है। पूज्य चरण रामचरित मानस से हमने दो मंत्र लिए। यहां पर भगवान रामकृष्ण देव के इस पावन प्रांगण में बैठे हैं तो कुछ हमारे भीतर वो परमहंस की कृपा आ सके। पहला मंत्र लिया तापस शम दम दया निधाना।
कि परमहंस पथ पर चलने के लिए कैसे यात्रा करना चाहिए, और दूसरा मंत्र लिया उस परमहंस का परिचय करने के लिए श्री भरतलाल जी को प्रणाम करने के लिए। हमारी ये यात्रा इस प्रकार चलते चलते साधना पथ तो लगभग पूर्ण हुआ। वेदांत की एक अपनी यात्रा है, और वेदांत की जो यात्रा है वो अद्वैत सिद्धांत हमें उपदेश करता है कि अहम ब्रह्मास्मि। वहां से यदि थोड़ा सा स्पंदन आए तो आदि गुरु शंकराचार्य हमें सिखाते हैं कि तत्त्वमसि। पर आदि गुरु अद्वैत की जो ये यात्रा कर रहे थे, एक दिन आदि गुरु के हृदय में भी एक बात आई, और वह है एकांते सुखमास्यताम। जब आप एकलता में बैठते हैं, जब आप एकांत में बैठते हैं, जब आप निजानंद में बैठते हैं, जब आप निजबोध में बैठते हैं, तब एक परम सुख का अनुभव होता है। हमारी आचार्य परंपरा आदि गुरु शंकर से चलकर महाप्रभु वल्लभ तक उसने यात्रा की, तो वह अद्वैत और ज्यादा प्रकाशित होता है, होते 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 वो शुद्धाद्वैत तक की यात्रा करता है। अद्वैत है सच है, पर कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये जो अनंत है, ये जो अव्यक्त है, ये जो अस्खलित हम सभी पर अपनी कृपा का वर्षण करते हैं, किसी न किसी दिन एक साधक के हृदय में एक इच्छा जागृत होती है, एक मन करता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो श्री हरि एक बार नीचे उतरे और हमें गले लगाए। रोज मां काली के पास भगवान रामकृष्ण देव उनकी अर्चना करने के लिए जाते हैं, भले ही यह पूरा संसार उनमें प्रातः पाषाण प्रतिमा का दर्शन करता हो, भगवान रामकृष्ण देव के लिए एक परमहंस के लिए पाषाण नाम का कोई तत्व शायद होता ही नहीं होगा। वो तो उसमें साक्षात कल्याणमयी मां काली के दर्शन करते थे। पर कहते हैं कि वो काली कभी मुस्कुराती नहीं थी। तो एक बार उस एकांत की यात्रा जो आदि गुरु शंकर से आरंभ की थी, जो अद्वैत से आरंभ हुई थी, ये परमहंस की यात्रा ये शुद्धाद्वैत के किनारे पर आकर खड़ी रही, और हरि के साथ वो शुद्ध भाव प्रभो स्थाप्यो नचातुर्यम प्रयोजकम अंतर्यामी समस्तानाम भावम जानाति मानसम। इस प्रकार जब शुद्धाद्वैत ने प्रवेश किया, एक मजेदार बात है, मेरा शिक्षा पक्ष शुद्धाद्वैत का है और मेरा गुरु मंत्र का जो गुरु परंपरा है वो अद्वैत की है। तो मैंने शुद्धाद्वैत से अद्वैत की यात्रा की, परमहंस अद्वैत से शुद्धाद्वैत की यात्रा करते हैं। और इस प्रकार जब वो काली का साक्षात्कार करते हैं, श्री भरत जी जब अयोध्या से अपना कदम उठाते हैं चित्रकूट की ओर, तो कहते हैं कि भरत लाल जी के साथ चलने वाली अयोध्या आज उत्सव मनाती हुई
उस यात्रा में जुड़ती हैं। जिंदगी में जब कोई संत, कोई महापुरुष आपके साधना के समय कभी मिल जाए, वो यदि मुस्कुरा दे, यदि वो कृपावंत होकर यदि वो हमारा हाथ पकड़ ले, तो मानो कि आपकी परमहंस की ये जो यात्रा है वो संपन्न होती चली जाएगी। भरतलाल जी ने चित्रकूट की यात्रा कैसे करी उसका दर्शन करें उससे पहले 2 मिनट अभी और बची है, तो उस समय का पूज्य चरण अपनी इतनी व्यस्तता के बीच में भी हमारी इस परमहंस की यात्रा को संपन्न करने के लिए, उसको बल देने के लिए, कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। जब ईश्वर कभी मन करता है कि चलो बहुत दिन हो गए इनको पुकारते पुकारते पुकारते, ऐसा नहीं है कि उस हरि को याद कर हम यहां बैठकर रोते हैं। सच्चाई यह है कि जब हमारे यहां आंसू निकलते हैं तो ऊपर बैठे अनंत हमारे लिए रोते हैं, और वह परमात्मा किसी महापुरुष का रूप लेकर हमारा हाथ पकड़ने आता है। अर्थात आज पूज्य चरण का आना यह संदेश है कि परमहंस अब हमारे जीवन में उतर रहे हैं, बिना किसी पूर्व भूमि का। मैं पूज्य श्री के चरणों में विनंती करते हुए आप सबकी ओर से, मेरी व्यासपीठ की ओर से एक प्रार्थना है कि प्रभु आप हमें इस परमहंस पथ पर आगे बढ़ने की जो यात्रा है उसके लिए आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपने आशीर्वचनों से आप्लावित करें। पूज्य श्री कल्याणी भगवती भागीरथी गंगा के तीरे मोक्षदा मायापुर हरिद्वार के इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र कनखल में रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के पावन उत्सव आंगन में कल्याणी कलि कलुष विभंजनी मंगल करनी ब्रह्म भय हारिणी यम त्रास निवारणी मानस मंदाकिनी की है ब्रह्मरस धारा श्री राम कथा के रूप में यहाँ प्रवाहित है। इस पवित्र आश्रम और यहाँ की संपूर्ण दैवीय पारमार्थिक गतिविधियों के नियामक संचालक आदरणीय पूज्य स्वामी विश्वेशानंद जी महाराज, पूज्य दयाधिपानंद जी महाराज, अन्य सभी मिशन के वरिष्ठ संतगण, इस अवसर पर आप सब वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी ललितानंद जी और इस राम कथा में व्यास रूप में अत्यंत शिष्ट सौम्य सुभद्र सुसंस्कृत प्रज्ञावान दिव्य पुरुष आदरणीय आचार्य रामानुज जी और यह संगीत मंडली, आप सब जिस रस से आप्लावित हैं वह अत्यंत मंगलकारी रस है। रामकथा जिसे ये कहा कि वह संशयों को निवृत्त करती है, संशय
छिन्न भिन्न होते हैं और वह सत्य का प्रकाशन करती है। रामकथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ा बनिहारी। और उसमें भी ठाकुर राम कृष्ण परमहंस को आधार बनाकर उन्हीं को समर्पित इस रामकथा का हेतु और तपस्वियों के बीच में कथा है ये। और तापस ध्येय वाक्य लेकर ये कथा अनवरत अविच्छिन्न गतिमान है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि देवताओं का भी यही प्रयोजन है कि राम तपस्वी बने। कई दो वर मांगती हैं, पहली बार में उन्होंने भरत के लिए राज्य मांग लिया, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार भरत ही टीका, हे प्राण प्रिय दशरथ, मेरे मन में ऐसा आता है कि आप भरत का राज्याभिषेक कर दें, लेकिन ये उनका मनोरथ नहीं है, ये उनकी स्वाभाविक मांग नहीं थी। वे भरत के लिए राज्य नहीं मांगना चाहते थे, उनका तो कुछ और मनोरथ था, उनका ही नहीं पूरी देव सत्ता का, सनकादिक नारद यम वरुण कुबेर बृहस्पति स्वयं चतुरानंद ब्रह्मा महादेव आदि समूची विधि व्यवस्था नियंता नियति परमात्मा प्रकृति जिस वर के लिए उत्सुक है वो वर सरस्वती जिव्या पर बैठ गई के और उन्होंने वर मांगा। उस वर के भी आरंभ में तापस शब्द आता है, उन्होंने कहा ब्रह्म तपस्वी बने, ईश्वर को तपस्वी बनना होगा। मैं जानती हूं कि राम ब्रह्म है, राम परात्पर ब्रह्म है, इसलिए वो दूसरे वर में कहती हैं मांगहूं दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। समूचे देव सत्ता परमात्मा प्रकृति नियंता नियति विधि व्यवस्था समूची देव सत्ता ने प्रकृति के रूप में सरस्वती के रूप में कैकेयी की जिभ्या को वशीभूत कर लिया। कैकेयी की जिभ्या पर पूरी देव सत्ता समाहित हो गई और वो दशरथ से कहती है तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तापस वेश तो जो तापस शब्द आपने कथा में लिया है ध्येय वाक्य, वे तापस वेश बने राम का। तो कैकेयी कहती है कि केवल वन में ही नहीं जाना है, केवल 14 बरस, वाल्मीकि रामायण में तो नवपंच आता है, पहले नव आता है फिर पंच आता है कि नव वर्ष इस प्रकार से पंच इस प्रकार से और फिर उसमें भी दंडकारण्य में द्वादश वर्ष। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो वो पहले ये कहती हैं कि कई के 12 बरस दंडकारण्य में और 2 बरस फिर कुछ और जैसा वो चाहे। तो ये कैकेयी का निर्देश भी था कि नव पंच माने ये 14, 9 और 5 14, तो नव पंचा तपस्वा तपस्वी वेश में क्या दंडकारण्य में रहे। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा है तापस वेश फिर उसमें विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, इसका अर्थ है कि तपस्वी वेश में जाए, रामकृष्ण परमहंस बनकर जाए, ठाकुर तपस्वी बने तो ब्रह्म तपस्वी बने। ओम तप स्वाध्याय निरताम, वाल्मीकि रामायण का पहला शब्द है। आप सब सुधी जाने, आप पूज्य संत गण बैठे,
वाल्मीकि रामायण में भी जो एकदम आरंभ है वो तप शब्द है। वाल्मीकि रामायण में आरंभ क्या है रामायण का? तप, तपस्वाध्याय निरताम। तो वाल्मीकि रामायण तप से आरंभ होती है, तकार। ब्रह्मा को भी यही शब्द सुनाई दिया और प, इसलिए ब्रह्मा ने जो पहले दो अक्षर सुने, सबसे पहले जो ब्रह्मा को सुनाई दिए शब्द अक्षर, पहला सुनाई क्या दिया? आकार नहीं, न रकार, न मकार, कोई और नहीं, कख गघ नहीं, चछा जझा नहीं, तथा धा नहीं, पफ भमा नहीं, आ ई भी नहीं। जो ब्रह्मा के कान में पहले शब्द आए बिल्कुल आरंभ, वो था तका, त त त प त प तप। तो ब्रह्मा ने सबसे पहले क्या सुना? तप। और उसी से फिर उन्होंने सृजन किया सृष्टि का। और आता भी है मानस में, तपबल कीन शंभु संहारा, तपबल रचई विधि संसारा। तप के आधार पर ही विधाता सृष्टि की रचना करता है और तप के आधार से ही सृष्टि का संहार शिव करते हैं और तप से ही विष्णु भी इसका पोषित करते हैं। बद्रीनाथ में करने के आ गए भगवान नारायण, तप करने गए। तप तीनों को करना होता है, संहार के लिए तप भगवान शिव करते हैं, सृजन के लिए तप ब्रह्मा करते हैं, पोषण के लिए तप नारायण करते हैं। तप और तकार से ही 24 गायत्री में पहले क्या है? तत्सवितुर वरेण्यम। तो गायत्री का पहला अक्षर क्या है? त, तत्सवितुर वरेण्यम। तो गायत्री भी त से आरंभ होती है। ब्रह्मा को भी त सुनाई दिया और देवताओं को भी ऐसा लगा कि राम जी को तपस्वी बनाकर भेजा जाए। तापस्वेश विशेष उदासी। तो ये तापस से जो ये यात्रा चल रही है सेवाश्रम में बड़ी स्वाभाविक है। और हम तपस्वी तो हैं ही सारे लोग, गृहस्थी भी कम तप तो नहीं करते, पता नहीं पदार्थ को पाने के लिए क्या क्या तप नहीं करते। वो एक अलग बात है कि उनमें पता नहीं कितना रस और सुख उन्हें मिलता है, और सन्यासी तो तप करते ही हैं। जो तप शब्द है तापस है, बड़ा स्वाभाविक है, इसलिए रामायण में तापस शब्द की बड़ी महिमा है। तो हम निवेदन ये कर रहे थे, आदरणीय आशीष भाई जी का आगमन भी बड़ा मंगलकारी है। हम तप की व्याख्या कर रहे हैं और तपस्वी सामने प्रकट हो गया। हमारे आशीष भाई भी बड़े विलक्षण तपस्वी हैं। तो ये बात कही जा रही थी। नारायण भैया जी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तो राम 14 बरस जाए, नवपंच 9 और 5 14। तो वाल्मीकि रामायण में आता है कि नवपंच, नवपंच में भी द्वादश, दंडकारण्य में रहे राम, तपस्वी बनकर रहे राम। और तपस्वी बनकर रहेंगे तो एक शालीनता, एक सदाचार, नैतिकता, और उसी से बल अर्जित कर पाएंगे वो, और उसी से उसने ऐसा चरी जाति का या राक्षसी सत्ता का वो संहार या दलन अथवा उसका नियंत्रण कर पाएंगे। मनुष्य अपनी विकृतियों से तभी लड़ पाता है या तभी वो निवृत्त कर पाता है स्वयं को उनसे, जब वो तपस्वी होता है। इसे जो तप शब्द है ये बहुत स्वाभाविक है शास्त्रों में, इसकी बड़ी व्याख्या। पतंजलि ने तो सीधे कहा ही है, तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, तपस्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान यानी क्रिया योग। तो तप उसमें है। अब वो राम तपस्वी बनकर गए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, और ये कथा में भी तापस एक यात्रा है तो बड़ी स्वाभाविक है। मुझे तो आना था और भी पहले, लेकिन हमारे यहाँ शिवरात्रि का उत्सव था इसलिए आ नहीं सके। कथा बिल्कुल सामने बह रही है गंगा, यहाँ गंगा दो बह रही हैं, एक तो है ही गंगा भागीरथी, एक राम कथा गंगा। तो हमारे तो आमने सामने दो गंगा बह रही है, सामने ही गंगा, एक इधर गंगा।
अब तुलसी का पत्ता छोटा हो बड़ा हो, भाई तुलसी के पत्ते की महिमा तो है, उसे बड़ा छोटा नहीं होता तुलसी पत्र, वैसी कथा छोटी बड़ी नहीं होती। राम जी कथा चल रही है तो बड़े भाग्यवान हैं हम सब कनखल वासी, हरिद्वार वासी, कि राम जी कथा चल रही है और राम की कथा उनकी आज्ञा के बिना, देव आज्ञा के बिना, हनुमत आज्ञा के बिना हो नहीं पाती। हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे पास में रामकृष्ण आश्रम सेवा, रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम हमें उपलब्ध है। 100 वर्षों से पूज्य विवेकानंद जी महाराज से प्रेरित होकर कल्याणानंद जी महाराज ने किस ढंग से यहाँ एक छोटे से कुटीर से यह सेवा का व्रत लिया और किस तरह से उन तपस्वियों ने क्या नहीं दिया। अब तो सब प्रकार की अनुकूलताएं चिकित्सा जगत में, पर आज भी सबसे श्रेष्ठ, सुगम, सहज और आई वुड लाइक टू से इन बजट ऑल्सो एंड अफोर्डेबल एंड दिस प्लेस इज सो एक्सेसिबल, देयर इज नो हर्डल, इट्स सो रीचेबल एवरीथिंग। यहाँ के साधु महात्मा, हम तो ऐसे ही मानते हैं कि हम भी मिशन के ही वो हैं, आई एम द पार्ट ऑफ मिशन। बस एक दीवार का अंतर है, एक रोड का अंतर है, बाकी तो सब एक ही चीज़ है, एक ही प्रमेसिस है। तो बहुत ज़्यादा हर्षित हैं हमारे आदरणीय व्यास, हमारे गुरु भाई रामानुज जी, बड़े सभ्य सौम्य हैं, बड़े विद्वान हैं, और उसका एक अलग ही रस है विद्वान कोई कथा कहें तो। मुझे जब उन्होंने तापस तापस कहा तो मुझे लगा कि कहाँ से निकाल के लाऊं मैं तपस तापस शब्द। तो वाल्मीकि रामायण भी तप से ही आरंभ हुआ है और राम भी तपस्वी बने और तभी उन्होंने वो अपना कार्य सिद्ध किया। आदरणीय आशीष भाई के भी दर्शन यहाँ सहज हो गए और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे आदरणीय सचिव महोदय को, मेरे बहुत आदर, माई हम्बल प्रणाम्स टू यू, और आप सबको भी। हमारे यहाँ कोई एक अनुष्ठान जैसा चल रहा था, यद्यपि उसका समापन हो गया, शिवरात्रि के अनुष्ठान का ऑलमोस्ट समापन हो चुका है, लेकिन अभी वहाँ एक बड़ा भक्तों का समुदाय और कई तरीके की वो उसका पोस्ट एक केयर करनी पड़ती है उत्सव के बाद, तो उसमें भी अभी जैसे क्या कहेंगे उसको उत्तर पूजा अभी शेष है। तो मैं और भी अधिक देर बैठ सकता था, लेकिन हमारे यहाँ की सायंकालीन, यहाँ की एक विधान है कि अगर मैं स्टेशन पर हूँ, संयुक्त से मैं हरिद्वार में हूँ, तो सायंकाल आरती का एक विधान है यहाँ की, वो मर्यादा है कि आचार्य को आरती में उपस्थित होना होता है, उसको वो नहीं करना चाहिए, उसकी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। तो पूज्य विश्वेशानंद जी महाराज, दयादीपानंद जी महाराज और विशेषकर व्यास जी मुझे अनुमति दें तो मैं तो फिर कभी आ जाऊँगा, तो मेरी मर्यादा का भी पालन हो जाए और मुझे क्षमा कीजिए। और मैं जल्दी भी आ सकता था लेकिन मुझे वहाँ गौशाला और आदि के लिए अनुष्ठान के लिए निकलना पड़ गया, वहीं से मैं सीधा आया हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस तापस यात्रा की, कदाचित कल संपूर्णता है ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शमदम दया निधान, तपस शमदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना।
सज्जनों मुस्कुराइए, हमारा भी ये परमहंस की ये जो यात्रा है, पूज्य चरणों की कृपा से धीरे धीरे अब उसमें एक नई बहार आ रही है। ये होना भी चाहिए। हम चर्चा कर रहे थे, ये भरत लाल परम तत्व को प्राप्त करने के लिए यात्रा पर निकलते हैं। सबको यात्रा करनी पड़ती है। हर कोई व्यक्ति ट्रांसपोर्ट होता है। आज आप जहां हो वहां अगले क्षण थोड़ी मिलोगे। किसी का चिंतन थोड़ा आगे बढ़ गया होगा, किसी का अनुभव थोड़ा आगे बढ़ गया होगा, और हमारे प्रमिला बेन और इन सब की यात्रा तो सुपर फास्ट निकलती है। हाँ, हम यहां 8 दिन से तापस कर रहे थे, और ऐसे महापुरुष आते हैं ना तो फिर सीधे एकदम से तापस शम दम दयानिधाना, तापस शम दम दयानिधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। तो मैंने ये जो अद्वैत से शुद्धाद्वैत तक का एक सिद्धांत आपके सामने रखा, आचार्य चरणों की एक यात्रा, और कितना संयोग कि सिद्धांत की चर्चा को होना ही था और पूज्य चरण भी पधारे हैं। परमहंस की जब व्यक्ति यात्रा करता है तो कहते हैं कि इस यात्रा में भरतलाल जी को 5 प्रकार के विघ्नों का सामना करना पड़ा। मुस्कुराइए, जब आप भी परमहंस की इस यात्रा में निकलोगे तो ये 5 प्रकार के विघ्न आपको भी सता सकता है। जो आसानी से मिल जाए ना वो अमूल्य नहीं होता है।
जिसके लिए मेहनत करनी पड़े। और मेरे भाई बहन, बहुत सावधान होकर इस यात्रा को करते रहिएगा। कितनी मजेदार बात, दुर्योधन भी द्वारिका नाथ के साथ, उसका भी पारिवारिक संबंध, और द्वारिका नाथ के पास साथ अर्जुन का भी पारिवारिक संबंध, पर कभी भी द्वारिका नाथ ने अर्जुन का साथ दिया, अरे दुर्योधन का साथ दिया, जानना चाहोगे कि आगे बढ़े? चलो, आपका मूड नहीं है तो क्या हुआ, थोड़ी सी आवाज है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर सफलता के द्वारा प्राप्त आत्मविश्वास होता है, भगवान भी जब सहायता करता है तो लेने के लिए वही व्यक्ति सक्षम मिलता है। ऐसे ये परमहंस का अनुभव ऐसे सबको नहीं होता है। एक सफल डॉक्टर होने के लिए भी आपको परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसे थोड़े ही होता है कि किसी का अच्छा फोटो आ गया तो मेडिकल टीम आएगी आपके घर, बोले आपका पिक्चर बहुत अच्छा लगा तो हमें लगा कि आप डॉक्टर अच्छे दिखोगे, तो ये लीजिए और आप हो गए डॉक्टर। ऐसे थोड़ी कोई डॉक्टर होता है। उसके लिए भी व्यक्ति को परीक्षा देनी पड़ती है। तो जब आप परमहंस तत्व को प्राप्त करना चाहते हो, वहां तक आप पहुंचना चाहते हो, यदि आपकी ये यात्रा स्वामी विवेकानंद की यात्रा हो सकती है तो मुस्कुरा दो प्यारो, परीक्षा तो हमें भी देनी पड़ेगी। पूरी यात्रा निकली है, जहां हमारा प्रसंग था, सब रथ में बैठे, गुरु वशिष्ठ का एक सुंदर रथ और उसके ऊपर गुरु वशिष्ठ, कुछ ब्राह्मण उनके साथ चल रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चार हो रहा है, कई कई सुमित्रा माँ कौशल्या शिविकाओं में बैठी है, जो बुजुर्ग थे वो अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अपने अपने संसाधनों का सहारा लेकर वो भी यात्रा कर रहे हैं, जो युवान हैं वो व्यवस्थाओं में लगे हैं, वो सब हो रहा है। सबसे आगे परमहंस भरत चल रहे थे, थोड़ा बहुत चले होंगे। तब कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ अपने रथ से उतर गए। जब वो रथ से उतरे, तेजो यात्रा चल रही थी, वो यात्रा रुक गई। गुरु वशिष्ठ दौड़ते हुए भरतलाल जी गुरु वशिष्ठ के पास आए, प्रभु कोई असुविधा? तब कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ भरत का हाथ पकड़कर भरत जी से कहते हैं कि बेटा, हम रथ में बैठकर यात्रा करें और तू ऐसे पैदल चल, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। श्री भरत जी के मन में, उस परमहंस के मन में था कि मेरा भगवान जिस मार्ग से नंगे पैर गया हो, उसी मार्ग से मैं भी नंगे पैर चलूंगा। जिस ईश्वर ने मेरे सुख के लिए इतने कष्ट सहे, उन कष्टों को
मैं महसूस करना चाहता हूं गुरु वशिष्ठ को। भरत जी ने अपने इस मनोरथ को समझाने लगे कि प्रभु क्षमा करना, इस दुष्ट भरत के कारण परमात्मा को कष्ट पहुंचा है। मैं तो चाहता हूं कि यह संसार मेरे इस साधना मार्ग पर कंकर पत्थर और कांटे बिखेरते जाए, ताकि उस पर चलता हुआ जब मैं राम से मिलूं तो इस वेदना का थोड़ा सा शमन हो जाए। अरे बोले, कांटे क्यों मांगते हो भरत? तब भरत ने कहा कि प्रभु, जब हम आपके गुरुकुल में थे तब आप ही ने तो हमें सिखाया था कि बेटा, यदि कभी चलते हुए कोई कांटा लग जाए तो उसके लिए ज्यादा तड़पते नहीं है, कंटके नहीं व कंटकम। यदि एक कांटा लगा है तो दूसरा कांटा ढूंढ लीजिए, एक कांटा दूसरे कांटे को निकालता है। इसलिए कांटे को आप बुरा मत समझो, वो कांटा काम का भी हो सकता है। तो ये जो शूल मेरे दिल पे लगा है, इसका शमन तो शायद किसी उपाय से हो पाएगा, पर मार्ग में चलते हुए जब कंकड़ और पत्थर पर चलते हुए मुझे वेदना होगी तो उस वेदना का थोड़ा बहुत शमन हो जाएगा। गुरु तो मान गए। कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने तो परमहंस भरत को गले लगा लिया, बेटा। पर अभी ये चर्चा चल ही रही थी, उतने में तो शिबिका से उतरकर दौड़ती हुई कौशल्या आई। बोले, मैंने नियम लिया है। तब कहते हैं कि मां कौशल्या भरत के पास आकर बोलती है, बेटा भरत। बोले, जी मां। तू क्या चाहता है, मैं शिबिका में बैठूं कि तेरे साथ चलूं? अरे मां, ये आसान नहीं, आप नहीं चल पाओगे, जिद मत करो, चलो चलो मैं आपको बिठाने आता हूं। जैसे ही मां का हाथ पकड़ा तो कहते हैं कि कौशल्या ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा कि भरत, या तो मैं तेरे साथ नंगे पैर चलूंगी या तो फिर तू रथ पे बैठेगा। जब आप परमहंस मार्ग पर निकलोगे तो पहला विघ्न आएगा और उस विघ्न का नाम है नियम भंग। आपका अपनों का रूप लेकर आएगा। अरे शिवरात्रि तो करनी है, आलू की थोड़ी सूखी सब्जी खा लो, क्या फर्क पड़ता है? शिवरात्रि तो करनी है, रोटी ऐसे कहां खा रहे हैं? उपवासी तो है, मूंगफली के चार दाने खाने में कोई दिक्कत नहीं है। नियम भंग, यह उपवास का पाखंड छोड़ दीजिए। और यदि उपवास करने का मन ही हो तो भगवान रामकृष्ण देव के सामने बैठकर, एक ही तो दिन मिलता है शिवरात्रि का, उस दिन उनके सन्मुख बैठकर रो दीजिए कि प्रभु क्या तकलीफ है कि अभी तक आप हमारे लिए उतर कर नहीं आए। पर जब आप साधना पथ पर निकलोगे तब पहला विघ्न आएगा और उस विघ्न का नाम है नियम भंग। भरतलाल जी, कैसे करें? कहते हैं कि मां का मन रखने के लिए भरत ने अपने नियम को तोड़ा। पर सावधान रहिएगा, मीरा को याद किया जा सकता है,
नरसी मेहता को याद किया जा सकता है, स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जा सकता है, मीरा नरसी स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श बनाया जा सकता है, पर आप मीरा नरसी मेहता या स्वामी विवेकानंद जी की नकल कभी नहीं उतार सकते हैं। आप वो मत बनिए जिसको आप आदर्श मानते हो, क्योंकि जिसे हम अपना आदर्श मानते हैं वो हमारे लिए भगवान बन जाता है, और भगवान हमेशा हृदय में बैठता है, वेश में नहीं बनता है। पर जब भक्ति पाखंड बनकर निकलती है तब मामला उलट जाता है। नियम तो ऐसा है कि आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे प्रभु श्री राम चलते हैं, पीछे लखनलाल चलते हैं और मध्य में मां जानकी चलती है। पर जब सती पाखंड करके आती है, सीता का रूप लेकर आती है, तब ये नियम तोड़ देती है। तब राम लखन पीछे चल रहे हैं और जानकी उनके आगे आगे भाग रही है। ये जितने लोग धर्म के नाम पर पाखंड के रास्ते पर चलते हैं उनके लिए भगवान पीछे छूट जाता है और वो लोग कहीं आगे निकल जाते हैं। हम भगवान के तो हो सकते हैं, पर ऐसा वहम कभी मत रखो कि हम हमारा भगवान हो सकता है। वो आगे ही अच्छे हैं। नियम टूटा वो इसलिए टूट सका और फिर भी उनको परम तत्व इसलिए मिल सका क्योंकि वो स्वयं परमहंस है। ये परमहंसों का मुस्कुराना, ये परमहंसों का रो देना, ये परमहंसों का बैठना, ये परमहंसों का चलना, ये परमहंसों का भोजन करना, ये परमहंसों का क्रियाशीलता में चलना, ये सब उनकी लीलाएं होती है। इसलिए जब उन पूरे चरित्रों को किताबों में आबद्ध करने का प्रयत्न किया गया, बहुत सोचा होगा उस व्यक्ति ने जिसने रामकृष्ण देव को देखा होगा, उन चरित्रों को कागज में उतारा होगा, उसके बाद उसने बहुत सोचा होगा कि इस किताब का नाम क्या रखूं। हजारों पन्ने जिसने लिखे हो, क्या उसको कोई अच्छा नाम नहीं मिला? उसने बहुत सोचा, तब वो व्यक्ति इतना ही लिख पाया, श्री राम कृष्ण लीलामृतम। ये जो भी आप देख रहे हैं, ये जो भी आप सुन रहे हैं, ये जो भी आप महसूस कर रहे हैं, ये सब भगवान रामकृष्ण देव की केवल एक लीला भर मात्र है। लीला लीला ही होती है साहब। लीला को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रामा। ये ड्रामा करने वाला कोई परमहंस हो ना तो ये उसके बस की होती है। इसलिए प्यारो मुस्कुरा दो, ये ड्रामेबाजी में ज्यादा मत जाना। इसलिए तो पहला सिद्धांत दिया परमहंस पथ पर, जो अभी पूज्य चरण जो बोल रहे थे, तपश्चर्या तपश्चरामि संसिद्धौ। जो भी अनुशासन है, अथ वेदानुशासनम अथ धर्मानुशासनम, आपका जो भी अनुशासन है मुस्कुराते हुए उसका स्वीकार कीजिए। पर जब आप परमहंस की यात्रा करेंगे तो ये नियम टूटने का खतरा आपका पीछा करेंगे। श्री भरत जी का ये चरित्र मुझे और आपको एक संदेश देता है कि जो भी अनुशासन आप बनाओ, जो भी जैसा भी, 6 बजे चाय उठ के पीऊंगा, मन नहीं है ना तब भी पी लो। नियम, हर चीज मन से नहीं होती है। आपका धर्म जो कहता हो वो करिए।
जो धर्म कहे तदनुसार चले उसे ईश्वर मिलता है, और जो धर्म को अपने विचारों के अनुसार प्रतिपादित करे उनके घर यदि दरवाजे पर ईश्वर आया हो तो वो बगल वाले घर का डोरबेल बजाता है। तो नियम भंग, यात्रा वहां से आगे चली और श्रृंगवेरपुर पहुंची। श्रृंगवेरपुर से 2-3 किलोमीटर दूर गंगा की शीतल मंद सुगंधित हवा, आने वाले इन राम यात्रियों के लिए, इन परम को प्राप्त करने के लिए यात्रा कर रहे लोगों को थोड़ा सा हल्का सा वो सुख प्रदान करने लग गई थी। तो कहते हैं कि इस तरफ तो मुस्कुराहट थी, पर उड़ती हुई धूल को जब देखा तो गुहराज ने तुरंत नगाड़ा बजाकर उन भिल्लों को सबको इकट्ठा किया, बोले जल्दी कीजिए, बोले बात क्या है, बोले देखो ये अयोध्या की ओर से क्या आ रहा है। उतने में तो 2-4 सेवक दौड़ते हुए आए और संदेश दिया कि महाराज कोई अयोध्या नरेश भरत है, उनके साथ पूरा समाज है, पूरी चतुरंगिणी सेना, ध्वज पताका निशान रथ सब लेकर वो आ रहा है। परमहंस के मार्ग पर जब आप यात्रा के लिए निकलोगे तब ये समाज आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करना शुरू करेगा। जब समाज आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करना शुरू करे उस दिन समझना कि परमहंस बहुत करीब आ रहे हैं। निषाद राज गुह ने अपने भिल्लों को आदेश देते हुए कहा कि अपने अपने शस्त्र तैयार करो, जब तक अंतिम व्यक्ति हमारा जीवित रहे तब तक ये अयोध्या का एक भी व्यक्ति इस गंगा को पार करके राम तक नहीं पहुंचना चाहिए। अपने अपने धनुष बाण सबने उठाए, प्रत्यंचाएं खींचने लगी, अपने अपने स्थान पर सब युद्ध के लिए एकदम तैयार। और जब निषाद राज गुह हाथ में खड़ग लिए निकला तब कहते हैं कि एक बुजुर्ग निषाद राज गुह के पास आया। चक्रवर्ती सम्राट की ये बात हो रही है, गुह ये कोई छोटा मोटा राजा नहीं है, ये अयोध्या नरेश यहां पर आ रहा है, और यदि वो चतुरंगिणी सेना लेकर आ रहा हो तो कोई तो बात होगी, ऐसा बचपना नहीं दिखाते हैं बेटा, मेरी मान एक बार परीक्षा तो करके देख। जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में आपके पास बैठकर किसी की निंदा करे, किसी को नीचे दिखाने का प्रयत्न करे, उस समय यदि आपके पास कोई समझदार हो, आज तो है ना निंदाओं का बड़ा बिजनेस चलता है, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपका कर्तृत्व, आपका एजुकेशन, आपकी हिम्मत, आपकी मेहनत अब इतनी पूर्ण कहां कि किसी के सामने जाकर खड़ा रह सके। जो भीतर से अपूर्ण होता है, जो भीतर से खोखला होता है, जो भीतर से अधूरा होता है, ऐसे लोग अक्सर निंदा करते नजर आते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पीठ पीछे दूसरों की केवल टांग खिंचाई ही कर सकते हैं।
पर ये 2023 की बात नहीं है, ये तो रामावतार की कथा है। वहां के गांव में रहने वाला एक छोटा सा ग्रामीण, वो भी निज बोध में इतना ओतप्रोत होता है कि ऐसे आसानी से आप उसको डिगमिगा नहीं सकते हो। वो लोग भाग्यशाली है जिनके पास एकाद समझदार मित्र है। ध्यान से समझिएगा, यदि समझदार मित्र नहीं है तो दीपक लेकर अपने किसी ऐसे अच्छे मित्र को ढूंढने लग जाना, दूसरों की निंदा करके अपनी बातों को स्थापित करने वाले बहुत दोस्त मिलेंगे। हटा देना सबको, कोई आत्मविश्वास से ओतप्रोत, निज बोध से ओतप्रोत ऐसा कोई मित्र मिले, ऐसा एकाद मित्र बिगड़ती हुई बात को सुधार के आपके नाम को बड़ा बना सकती है। तो ऐसे ही एक बुजुर्ग ने वहां पर निषाद राज गुह को आके समझाया कि बेटा एक बार बात कर लो, देख लो, यदि उनका इरादा अच्छा हो तो दोस्ती कर लो, और यदि इरादा बुरा हो तो जब तक हम जीवित रहेंगे भरत इस गंगा को पार नहीं कर सकता। परीक्षा हुई, जब आप राम के मार्ग पर निकलोगे, जब आप सत्य के मार्ग पर निकलोगे, जब आप परमहंस पथ पर निकलोगे, जब आप साधना के मार्ग पर निकलोगे, तब यही समाज जो आपके साथ बैठता है, यही समाज आपके पीठ पीछे आपकी निंदा करेगा, आपके बारे में भला बुरा बोलेगा। जिस दिन कोई आपको कहे कि फला व्यक्ति आपके बारे में ठीक नहीं बोल रहा था, ये वही हरिद्वार है, ज्यादा क्या दूर जाना, ये वही हरिद्वार है जहां के बहुत बड़े बड़े साधु रामकृष्ण मिशन के संतों के साथ इसलिए नहीं बैठते थे क्योंकि ये सेवा में ओतप्रोत, जो भी मरीज आता था उसको स्वच्छ किया करते थे। पर आडंबर से जिनके भीतर अस्वच्छता चली गई थी, उन लोगों को मिशन के संतों के द्वारा हो रही ये सेवा शायद रास नहीं आती थी। मेरे नाम विस्मृति हो गई, पर यहां के एक धनराजगिरी, यहां एक धनराजगिरी करके एक बहुत अच्छे संत, उनका प्रयास कि आज इसी प्रांगण में झूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वयं पधारते हैं। निंदा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, आपके साथ बैठने वाले बहुत कम मिलेंगे। परमहंस की इस यात्रा में निकले यात्री को चाहिए कि जब दुनिया आपकी निंदा करे मुस्कुराइए। सज्जनों, दुनिया जिस दिन आपकी निंदा करे उस दिन आप समझना कि अब राम प्राप्ति दूर नहीं है। भरत की निंदा हुई, भरत की परीक्षा हुई, और जब भरत के प्रेम को निषाद राज गुह ने महसूस किया तब कहते हैं कि निषाद राज भरत जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए गिर पड़े। सुमंत ने निषाद राज गुह का परिचय कराते हुए कहा कि इसी गुह ने, ये भगवान राम का पहला मेजबान है भरत, और ये शब्द सुनते ही श्री भरत दौड़े और निषाद राज गुह को उठाया, अपने गले लगा लिया। ऐसा महसूस करने लगे कि जैसे निषाद राज गुह को नहीं परमात्मा प्रभु श्री राम को गले लगा रहे हो। इस प्रकार इस यात्रा में विकास होता चला गया।
रात्रि विश्राम हुआ, सबका स्वागत हुआ और रात्रि विश्राम में सब भोजन करके शयन के लिए गए। तब कहते हैं कि भरत लाल जी की आंखों में आंसू थे। निषाद राज गुह पास गए, परमहंस क्या बात है, अपने आंसू पोंछते हुए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोले। यदि कोई बात नहीं है तो फिर ये आंसू किस बात के। तब भरत जी के आंखों में आंसू थे, निषाद राज बड़ा संकोच हो रहा है ये बोलते हुए, पर मैं उस स्थान को देखना चाहता हूं जहां मेरे भगवान ने, जहां पर मां जानकी जी ने रात्रि विश्राम किया था। पता है अयोध्या के राजभवन के अंतपुर में प्रभु जब सोने के लिए पधारते थे तो उनको निद्रा में विक्षेप न हो इसलिए आसमान से बादल उतरकर नीचे आते थे। वो हरि, वो भगवान, वो परमात्मा वो बादलों में सोया करता था। मुझ अभागे के कारण आज मेरे भगवान को बादल से नीचे उतार लिया गया। उस जगह को मैं देखना चाहता। गोराज उठे, भरत जी के साथ गए उस बरगद के वृक्ष के नीचे, कुशा बिछी हुई थी, सिराने पर दो पत्थर पड़े थे। प्रणाम करते हुए गुहराज ने परमहंस भरत को कहा कि भरत लाल, इसी पावन स्थान पर प्रभु ने रात्रि विश्राम किया था। भरत जी उस साथरी को, उस शैया को छूकर महसूस करने लगे। मां जानकी सोई थी ना, तो उनकी साड़ी के कुछ सितारे उस साथरी के आसपास गिरे थे। जब उन सितारों को देखा तो कहते हैं कि भरत जी वहां पर अचेत होकर गिर गए। उठे तो रोने लगे। रात्रि भर भरत उस शैया के चरणों के पास बैठकर उस परमात्मा को मनाते रहे कि हे हरि, मुझ जैसे एक अभागे जीव के लिए आपको इतने कष्ट सहने पड़े। ये इस समय भरतलाल जी के आंखों में आंसू, यही आंसू उनके भीतर परमहंस तत्व को चेता रहा था। रात्रि भर वहीं पर बैठे रहे। प्रातः काल हुआ, उस घाट के दर्शन किए जहां पर प्रभु ने स्नान किया था। बड़ी श्रद्धा से श्रृंगवेरपुर के उस घाट पर परमहंस श्री भरत जी ने एक डुबकी लगाई। मानो की परम की कृपा का, थोड़ी सी शीतलता का एक अनुभव लिया। पर जो परमहंस के मार्ग पर चलता है ना, उनके रास्ते सीधे नहीं होते, बड़े उबड़ खाबड़ हुआ करते हैं। वहां पर एक बरगद था, एक शिला थी। निषाद राज गुह
उस शिला के पास परमहंस भरत जी को लेकर गए। भरत बोले, हां निषाद राज, ये शिला देखते हो आप, इसी पर प्रभु बैठे थे, यहां पर मां जानकी बैठी थी, ये इनके पीछे तने के पास लखनलाल हाथ में धनुष लिए खड़े थे। मैं सुमंत, हमारे यहां के ये सब वनवासी यहां सामने खड़े थे। सुमंत समझाने लगे, महाराजा दशरथ का संदेश सुनाने लगे। तब प्रभु ने सुमंत को यहां से समझाकर अयोध्या वापस भेजा था। सुमंत वहीं खड़े थे। जब वो दृश्य एकदम तादृश होने लगा तो कहते हैं कि सुमंत तो अचेत होकर गिर पड़ा, कहने लगा कि यहीं से ईश्वर ने मुझे धक्का दिया था। भरत जी को कथा बताते हुए गुहराज कहने लगे कि नाथ, बात इतनी सी नहीं थी, ये सुमंत जाए इसी का इंतजार था। जैसे ही सुमंत यहां से मुड़े तब ईश्वर ने हमसे बरगद का दूध मंगवाया। पता है, स्वयं उठे, लखन को यहीं बिठाया था, अपने हाथों से लखन के माथे पर बरगद का दूध लगाकर उसकी जटा राम ने यहां बनाई थी। उसके बाद वो स्वयं बैठे और अपने हाथों से प्रभु श्री राम ने अपनी जटा बनाई। जब भगवान इस प्रकार जटा बना रहे थे उस समय हम कैसे जिंदा रह गए ये हम बता नहीं पाते हैं। जब राम ने जटा बनाई ये समाचार सुना तो कहते हैं कि भरत लाल जी भी रोने लग गए। गोहराज, अब जल्दी करो और हमें उस परम तत्व के पास ले जाओ जहां हमारे चित्त को शांति मिले। तब कहते हैं कि गुहराज मुस्कुराकर कहने लगे कि परमहंस, आज कथा में आशीष भैया आए हैं, सबको हमने सुना, उनके भी आशीष के आशीष सुनेंगे तभी तो परमहंस की यात्रा बन पाएगी ना। तो एक काम करेंगे, कल 3 बजे पुनः यहां मिलेंगे, जाने से पूर्व एक क्षण के लिए हरि नाम का आश्रय लेते हैं। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 कृष्ण हरि, राम 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 कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम
कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे 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 बोलिए श्री राम चंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमा पति महादेव की श्री द्वारिका धीश की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहुं सुर बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय पावन स्थल पर 121 वर्ष पूर्व सेवा साधना की ज्योति जलाई गई उस पवित्र स्थान को प्रणाम करता हुआ व्यासपीठ पर विराजित पूज्य आचार्य रामानुज जी महाराज मंच पर विराजित हमारे स्वामी विशेषानंद महाराज जी स्वामी दयादीपानंद जी और भगवान राम की भक्ति में डूबे सेवा भाव से डूबे आप सभी साधक गण पूज्य आचार्य जी के पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी के दिव्य प्रवचन के बाद अनुभव अनुभूतियों से युक्त भावपूर्ण भक्ति प्रवाह के बाद किसी बात की जरूरत नहीं
लेकिन निर्देश हुआ है तो दो तीन मिनट में सामान्य सी बातें। हम सब ने शरीर ग्रहण किया है और कुछ दिव्य आत्माएं, दिव्य विभूतियां निश्चित लक्ष्य के लिए, निश्चित उद्देश्य के लिए परमपिता परमेश्वर के आदेश से, उनकी कृपा से, उनके कार्य की दृष्टि से इस धरती पर अवतरित होते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक पूज्य गोलवलकर जी जब अंतिम मृत्युशैया में थे, उनके पास दत्तोपन ठेंगड़ी जी, बापूराव मोघे जी, दो प्रमुख वरिष्ठ प्रचारक बैठे थे। उनसे ये बात गुरुजी अचानक कहने लगे और उन्होंने कहा कि देखो, जब शरीर की तो एक उम्र है, आयु है, उम्र बढ़ाने के लिए काम रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम कर ही रहा है ये, लेकिन अंतिम उसको छीड़ होना है और क्षरण होना है। जिस उद्देश्य के लिए जन्म हुआ है, उद्देश्य पूरा नहीं होता तो ऐसी दिव्य आत्माओं को परमपिता परमेश्वर के यहाँ से मुक्ति की आज्ञा नहीं मिलती। जब तक परमपिता परमेश्वर द्वारा दिया हुआ कार्य उन नहीं हो जाता, ऐसी आत्मा इसी ब्रह्मांड पर, इसी धराधाम पर उचित हृदय और मस्तिष्क की खोज में चक्रमण करती हैं, खोजती हैं। हम सभी जानते हैं, पढ़ा है स्वामी विवेकानंद जी का शरीर 39 वर्ष 5 महीना 22 दिन में 4 जुलाई 1902 को पूर्व दो को पूर्ण हुआ। आगे परम पूज्य गुरु जी कहते हैं कि महर्षि अरविंद की जेल डायरी में है कि 1909 में अलीपुर जेल में स्वामी विवेकानंद जेल की कोठरी में महर्षि अरविंद को योग और साधन, जिस साधना की चर्चा भी हो रही है, उसकी दीक्षा देने स्वामी विवेकानंद अवतरित होते थे बार बार वहां पर। ये कहीं मैंने पढ़ा, फिर महर्षि अरविंद की जेल डायरी खोजी, उसमें सत्य प्रमाण ये उपलब्ध हुआ। अर्थात पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस भावधारा से जो लोग भी सेवा साधना में रत हैं, क्योंकि शिवरात्रि का दूसरा दिन है आज, शिव ज्ञान से जीव सेवा भाव उन्हीं का सूत्र है, उन्हीं का चिंतन है, बिना किसी पद प्रतिष्ठा पुरस्कार पैसे के आकांक्षा के, केवल शिव ज्ञान से जीव सेवा भाव से सेवा का संकल्प लें, यही रामकृष्ण भावधारा का भी संकेत है, आज की कथा का भी संकेत है। इससे हम लोग लेकर जाएं, जाने समझें, अनुभव करें, अनुभूति करें। और पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस देव, हमारे लिए आज भी हर क्षण जो भी सेवा साधना संबोधि के मार्ग पर लगा है, प्रत्यक्ष उनके आशीर्वाद कृपा हम सबको हैं, अनंत काल तक रहेंगे। इस भावना के साथ आज एक हनुमान चालीसा का वितरण होगा। जिस परिवार के द्वारा है, सौभाग्यशालियों की हमारे साथ भी दिव्य प्रेम सेवा मिशन के साथ में 20 वर्ष से जुड़े हैं, हमारी बहन आभा जी, विजय कुमार सूदन जी और उनके दो माने प्रिय बालक बालिका मुनि शर्मा और शिल्पा जी, बेटी शिल्पा, दोनों की पुण्य स्मृति में आप बीच हनुमान चालीसा का वितरण होगा। परमपिता परमेश्वर उन पुण्य आत्माओं को ऊर्जा दे, शक्ति दे और पुनः इस भारत की सेवा के लिए जन्म दे, ताकि स्वामी विवेकानंद विचार दर्शन पर, स्वामी रामकृष्ण परमहंस भावधारा के अनुसार आगे का जीवन जेकर जीवन की पूर्णता को ग्रहण कर सकें। पूज्य स्वामी जी, 2 मिनट बोलने का अवसर दिया, आपने कृपा की, उस कृपा के प्रति आभार ज्ञापित करता हूँ। अभी जिस प्रसंग की चर्चा हो रही थी,
श्रृंगेरपुर, चित्रकूट धाम, उन सभी स्थानों पर मैं सौभाग्यशाली हूँ कि स्नान करने का भी चित्रकूट में पता नहीं कितने बार परिक्रमा का, कितने दिन वहाँ रहने का गिनती भी याद नहीं है। ऐसे पावन स्थानों की आपने यात्रा कर दी, बहुत बहुत आभार पूज्याचार्य जी। अभी आरती होगी, उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, लंदन से पधारे हुए बहन जयश्री व्यास जिन्होंने इस सुंदर आयोजन में अपना धनराशि का कुछ भेंट करेंगे सचिव जी महाराज स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज जी को। जयश्री बेन फ्रॉम लंदन प्रेजेंटिंग अप मानवता ट्रस्ट है, उसके जरिए हमेशा रामकृष्ण मिशन में जो भी रामकथा का आयोजन होता है उसमें सहयोग देते हैं, साथ में रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में जो सेवाएं होते हैं उसमें भी आप धनराशि से अपना सेवा देती रहते हैं। ऐसे ही हमारे डॉक्टर विनोद जी हैं जो एम्स ऋषिकेश से आए हैं, वो भी अपना कुछ धनराशि का भेंट करना चाहते हैं। आपको ज्ञात है 12 जनवरी को एक मेगा सुपर स्पेशलिटी स्वास्थ्य मेला हुआ था, उसका आयोजन का जिम्मेदारी आपने ली थी। डॉक्टर विनोद वुड लाइक टू प्रेजेंट सम गिफ्ट्स टू आचार्य जी फॉर दिस वंडरफुल अरेंजमेंट। आई रिक्वेस्ट अवर सेक्रेटरी स्वामी जी टू ऑनर देम विद मोमेंटोस। व्यास आदि कवि बरज बखानी
करुणा अवतारम